नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीवीटी इंडिया के इस खूबसूरत परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत जबरदस्त कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग राजा, किसान और नगर वाला जो चैप्टर था उसको शुरू किए थे, और शुरू करने के बाद हम सबसे पहले देखे थे वैदिक सभ्यता के बारे में, फिर महाजनपद के बारे में देखे थे, फिर महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ वो मगध महाजनपद, उसके बारे में भी बहुत विस्तार से देखे थे। तो एक बार हम क्या करते हैं, जितने भी चीजें पढ़े हैं उसको एक बार यानी 5 से 6 मिनट में उसको रिकॉल करते हैं, और इसके बाद आगे की ओर यानी कि आज के जो क्लास है उसकी ओर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। देखिए पीछे हमने क्या पढ़ा था उसको बहुत विस्तार से देखेंगे कि हम किस तरीके से पीछे पढ़ते हुए आए हैं और आगे हम किस तरीके से जाएंगे। चलिए देखिए बात करते हैं हम पीछे, जो हमारा चैप्टर था वो राजा, किसान और नगर। कौन सा चैप्टर है? राजा, किसान और नगर। कौन सा चैप्टर? राजा, किसान और नगर, ये हमारा चैप्टर है। ये हमारा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, ये जो हमारा है चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़े थे? तो आपको बताए थे कि इसमें सबसे पहले हमको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता के बारे में बताए थे, वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में देखे थे। और वैदिक सभ्यता के हम बताए थे कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हमको वैदिक सभ्यता के बारे में राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। किंतु जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम बता रहे थे, उस समय राजनीतिक, आर्थिक के साथ साथ प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति के बारे में भी आपसे चर्चा किए थे। इसलिए चर्चा किए थे कि आप लोग को जनरल टेस्ट भी देना है। तो क्या जनरल टेस्ट के लिए आप लोग अलग से पढ़ेंगे? तो जी नहीं, यहीं से जो कुछ चीजें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ताकि जनरल टेस्ट जब आप करेंगे तो वहाँ आपका यहीं से सारा प्रश्न बन जाए। देखिए अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें, तो वैदिक सभ्यता के जो हम कालक्रम की बात करते हैं, तो इसका टाइम पीरियड मोटा मोटी बताए थे कि 1500 BC से लेकर के 600 BC, यानी 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका मोटा मोटी कालक्रम था। और इसको भी हम दो भागों में बांटे थे, और दो भाग कौन कौन सा है तो एक बार देख लेते हैं। दो भाग जो हमारा, पहला था वैदिक काल, पहला था नहीं सॉरी पहला था ऋग वैदिक काल। क्या था पहला? पहला हमारा था ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो हमारा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, अगर बात करते हैं इस दोनों का कालक्रम, क्योंकि दोनों जब हम मोटा मोटी बांटे थे 1500 BC से लेकर के 600 BC जब बताए थे, तो इसके बाद हम बताए थे कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो वैदिक सभ्यता के कालक्रम जब बता रहे थे, तो आपको बताए थे कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 BC से लेकर के 1000 BC, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व जो जिसका काल है वो ऋग्वैदिक काल का काल है, और उत्तर वैदिक का काल जो है 1000 BC से लेकर के 600 BC। इसके बाद हम आपको बताए थे कि यहाँ पे राजा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति अच्छी हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जन बना था, और यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे जन बना था, और यहाँ पे देखते हैं कि जनपद बनना शुरू हो गया था। आपको बताए थे कि जो कुरु महाजनपद है, कुरु महाजनपद है वो बन चुका था, यानी कि छोटे छोटे जनपद से मिलकर यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के एंड एंड तक महाजनपद भी बनने लगा था, यानी कि जनपद से क्या बनने लगा था, महाजनपद बनने लगा था, महाजनपद बनना शुरू हो गया था। तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के यानी कि 600 BC यानी 600 से 700 BC के, यानी कि 600 BC से लेकर के 700 BC तक महाजनपद बनना शुरू हो गया था। तो उसमें बताए थे कि कुरु महाजनपद हुआ, और बाद में आगे चल के जब हम महाजनपद काल जब शुरू किए थे, तो आपको बताए थे कि 16 महाजनपद, इसकी चर्चा किए थे, 16 महाजनपद की, 16 महाजनपद की आपको चर्चा किए थे कि 16 महाजनपद कौन है। देखिए हम 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किए थे, 16 महाजनपद। जब हम 16 महाजनपद के बारे में चर्चा की थी, तो आपको बताए थे कि इसके बारे में जानकारी जो मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ के हैं, और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, इन दोनों पुस्तकों से हमें महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। उसमें हम बताए थे कि जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है 16 महाजनपद में, वो मगध महाजनपद था। कौन था? मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद के बारे में बताए थे कि हमको मगध महाजनपद में कौन कौन से वंश शासन किया था, इसके बारे में भी बताए थे। और इसको जब हम बताए थे, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे, अगर आप लोगों को रिकॉल कर रहे होंगे तो आप लोग को याद आ रहा है कि कौन सा हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे। आपको बताए थे हसीन, क्या बताए थे, हसीन मशूक शाह, क्या बताए थे, तो बताइए आप लोग रिवीजन कीजिए, हसीन मशूक मशूक शाह, क्या बताए थे, यही ट्रिक बताए थे ना, हसीन मशूक शाह। आप बताइए कि इसका कौन कौन सा वंश हुआ, क्योंकि इसी कालक्रम के अनुसार हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको पीछे रिकॉल करवा दे रहे हैं ताकि आप क्लास से कनेक्टेड हो पाए। देखिए बात करते हैं हम
हर से बात करते हैं। तो हर से बताए थे कि सबसे पहले मौर्य वंश में, यानी कि सबसे पहले मगध में जो जिस राजवंश ने स्थापना किया था वो हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद हम देखते हैं शौर्य क्या हो गया, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश, जिसको हम नाग वंश भी कहते हैं, शिशु नाग वंश। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं नौ से। तो नौ से हम बात करते हैं नंद वंश। किसके बारे में बात करते हैं? नंद वंश के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य। किसके बारे में बात करते हैं? तो मौर्य अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं मौर्य? मौर्य वंश, मौर्य वंश के बारे में। इसके बाद हम सस, यानी सस क्या, किसके बारे में बात करते हैं? सस से हम बात करते हैं शुंग वंश, शुंग वंश, जो आज हम पढ़ेंगे भी। इसके बाद किसके बारे में बात करते हैं? कण्व वंश, कण्व वंश, जिसकी स्थापना वासुमित्र ने किया था, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। और सात से क्या हो गया? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। देखिए, तो आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हम इसी ट्रिक के माध्यम से आपको बताए थे कि एक ट्रिक याद करिए जिससे आपको पता चलेगा कि मगध में किस किस वंश ने शासन किया था। तो आपको बताए थे हौसिन मसुकशाह। इस ट्रिक से आपको याद करने का क्या फायदा होगा? सॉरी, इस ट्रिक से याद करने का फायदा यह होगा जब आपसे पूछेगा कि बताइए कि मगध महाजनपद में काल क्रम अनुसार किस किस वंश ने शासन किया, तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता पाएंगे। ऐसे में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि अच्छा पहले नंद वंश आया था कि पहले मौर्य वंश आया था, या पहले हर्यक वंश आया था या पहले शिशुनाग वंश आया था। तो ऐसे कंफ्यूजन से, कंफ्यूजन ना हो आप, उसके लिए आपको ये ट्रिक ज्यादा कारगर होगा। देखिए, ह से क्या हो गया हर्यक वंश, स से क्या हो गया शिशुनाग वंश, न से क्या हो गया नंद वंश, इसके बाद म से क्या हो गया, म से क्या हो गया मौर्य वंश, स से क्या हो गया शिशुन, यानी स से क्या हो गया शुंग वंश, इसके बाद क से क्या हो गया कण्व वंश, इसके बाद सात से क्या हो गया सातवाहन वंश। तो इस तरीके से मगध में हम देखते हैं सात वंश ने शासन किया था, जो मोटा मोटी है। इसके बाद देखिए, हम पढ़ चुके थे हर्यक वंश के बारे में जिसकी स्थापना बिम्बिसार ने किया था, फिर शिशुनाग के बारे में पढ़ चुके हैं जिसकी स्थापना शिशुनाग ने किया था, मौर्य वंश के अंतिम शासक विद्रथ की हत्या करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक नागदशक, सॉरी विद्रथ बोल दिया, नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, फिर शिशुनाग वंश के अंतिम शासक था उसकी हत्या करके नंद वंश के राजा जो था महापद्मानंद, उसने नंद वंश की स्थापना किया। इसके बाद देखते हैं नंद वंश के जो अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके पुष्प, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया। और हम मौर्य वंश तक हम आकर के बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के राजनीतिक स्थिति, वहाँ के आर्थिक स्थिति, वहाँ के प्रशासनिक स्थिति और साथ में वहाँ के सामाजिक स्थिति, रहन सहन, सब कुछ बहुत डीपली में पढ़े थे। जब आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आप देखेंगे ना कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको लेकर के निकाल दिया है। लेकिन क्या होता है कि एनटीए है, एनटीए का मूड अगर बदल जाए तो हो सकता है सामाजिक स्थिति तो नहीं कहा पढ़ने के लिए, हो सकता है सामाजिक स्थिति से प्रश्न बना दे, क्योंकि वो किसी भी तरह के तरीके का प्रश्न बना सकता है। जब आपके साथ, आपके सामने जब चैप्टर दिया गया है कि आपको मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, तो हो सकता है कि मौर्य वंश के बारे में ऐसा प्रश्न बना दे, तो आप उस वैसे स्थिति में अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपसे बनने की बहुत ही कम संभावना होगा। तो एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए मौर्य वंश को, तो आप जब भी वहां से अगर आप कहीं से भी किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे बनेगा। और हम साथ में आपको जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वहां पे देखिएगा कि कितने कमाल तरीके से आप कमाल करेंगे, यानी कितने अच्छे से आप क्वेश्चन करेंगे, वहां आपको इसका बेनिफिट नजर आएगा। तो चलिए, मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ चुके थे, आज हम बेसिकली बात करेंगे कण्व वंश के बारे में, सातवाहन वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, और साथ में और भी उस समय के जो छोटे छोटे वंश थे जैसे चोल चेर पांडे हो गया। इसके बाद कलिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उसी समय जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको उस वैसे एनसीईआरटी में वैसे एक जगह सटीक तरीके से नहीं दिया है, कहीं कहीं और, कहीं कहीं और या कुछ कुछ मोटा मोटी पॉइंट को लेकर के चर्चा किया है, लेकिन हम आपको डीपली चर्चा करेंगे। उसी समय क्या हुआ था कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में आक्रमण कर रहे थे, उसमें बात करते हैं सबसे पहला जो वंश था इंडो ग्रीक हो गया, फिर शक हो गया, फिर पार्सियन हो गया, कुषाण हो गया, चारों वंश क्रम से आए थे। और कई बार आप छोटा एग्जाम से ले ले या यूपीएससी देख ले, यूपीएससी देख ले, वहां तक ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी में कौन आया था, इंडो ग्रीक, शक, पार्सियन, कुषाण, इसको बताता है कि क्रम से सजाइए। तो वैसे प्रश्न हो सकता है एनटीए भी बना दे आप लोगों के लिए, तो ऐसे अगर आप पढ़े रहेंगे तो आराम से बना देंगे। तो चलिए, उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। इसके बाद यहाँ की हम आर्थिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, सभी पर बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को आज के। देखिए, आपको हम पीछे बता चुके हैं कि हम मौर्योत्तर काल, अब जो हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य पीरियड के बाद जिस काल का शुरुआत हुआ उसको हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। और मौर्योत्तर काल में हमको पढ़ना क्या, राजनीतिक इतिहास, यानी कि वहां के राजनीतिक इतिहास, यानी कौन से राजा आया, इसके बाद कौन राजा बना, इसी को हम राजनीतिक पीरियड कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहां की आर्थिक स्थिति, यानी कि आर्थिक इतिहास में हम देखेंगे कि वहां की अर्थव्यवस्था में क्या कैसी थी, किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके का व्यवसाय करते थे, कौन सा उद्योग करते थे, यही सब चीजें वहां हमें देखना है। चलिए, यहाँ हम किस किस के बारे में राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं, शुंग वंश के बारे में बात करेंगे, कण्व वंश के बारे में बात करेंगे, इसके बाद सातवाहन वंश, और साथ में छोटे छोटे और भी बहुत सारा उस समय के वंश था उसके बारे में भी हम डीपली चर्चा करेंगे। तो चलिए सॉरी, देखिए,
मुरेत्तर काल के जो उत्तराधिकारी राज हुआ उसमें हुआ पहला राज्य था वो शुंग वंश। कौन था? शुंग राज्य। आपको याद रखना है इसमें जो पॉइंट हम आपको लिए हाईलाइट करेंगे उसको बेसिकली आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि वहां से प्रश्न बनेगा। देखिए अगर मौर्य पीरियड की अगर शुंग वंश के अगर कालक्रम की बात करें यानी कितना वर्ष से लेकर कितना वर्ष तक शासन किया, तो आपको बात करें 185 ईसा पूर्व यानी कि 185 बीसी से लेकर के 75 बीसी यानी कि 185 ईसा पूर्व से लेकर के 75 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इसकी स्थापना किसने किया? अगर बात करते हैं इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये पुष्पमित्र शुंग ने किया था। किस तरीके से स्थापना किया था? तो बता दें कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना किया था। आगे पीपीटी में लिखा हुआ भी है इसका संस्थापक, अगर संस्थापक की बात करें तो एक ब्राह्मण सेनापति को था। कौन था? ब्राह्मण सेनापति था जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने किसको हत्या करके किया था? जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक था बृहद्रथ, कौन था? बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो आपको कौन सा पॉइंट नोट करना है? तो आपको पॉइंट नोट करना है कि मौर्य यानी शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। किसकी हत्या करके किया था? तो आपको बताना है बृहद्रथ, जो कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, उसकी हत्या करके स्थापना किया था। इसके बाद बात करें उसके 10 उत्तराधिकारी हुए यानी कि 10 उत्तराधिकारी हुए, तो क्या हमको 10 उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ना है? तो जी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए तत्कालीन उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। कौन हुआ? जो तत्कालीन उत्तराधिकारी हुआ वो अग्निमित्र हुआ, जिसके सम्मान में, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है और याद भी रखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके सम्मान में कालिदास ने एक रचना लिखा। कालिदास के बारे में आगे हम जब गुप्त पीरियड पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। मालविका अग्निमित्रम, क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम नामक रचना लिखी। क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम नामक रचना लिखी है, जिसमें क्या बात, क्या किस चीज का चर्चा किया गया? तो इसमें मालविका यानी मालविका एक लड़की थी और अग्निमित्र जिसके प्रेम प्रसंग यानी कि जिसके प्रेम प्रसंग के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है इस बुक में। तो आपसे बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक की रचना किसने किया, या मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक में किसके बारे में चर्चा है। अगर दीप में पूछेगा तो आपको बताना है अग्निमित्र और मालविका के प्रेम विवाह के बारे में यानी कि मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा है, और इसके लिखा किसने है? तो कालिदास ने लिखा है। तो चलिए यही प्रश्न आपसे बनेगा। इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना है, इस वंश के एक शासक हुआ भागभद्र। कौन हुआ? भागभद्र, जो किस आपसे पूछेगा कि भागभद्र किस वंश का शासक था, तो आपको बताना है शुंग वंश के बारे में। इसी के दरबार में एक यूनानी शासक आया था। यूनानी शासक का नाम क्या था? यूनानी शासक का नाम था हेलियोडोरस। इसने क्या किया था? हेलियोडोरस के बारे में क्यों पढ़ रहे? कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तुम पढ़ रहे हैं। हेलियोडोरस ने क्या किया था? जिसने, देखिए, जिसने विदिशा, क्या दिया है? विदिशा, जो कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है विदिशा नामक स्थान पर वासुदेव कृष्ण, इसकी मूर्ति वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुण ध्वज, क्या किया था? गरुण ध्वज की स्थापना किया था। तो आपके मोटा मोटी ये याद रखना है कि हेलियोडोरस नामक एक विदेशी यानी कि यूनानी यात्री था, जिसने क्या किया था? जिसने मोटा मोटी काम ये किया था कि जो विदिशा नामक शहर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां पर कृष्ण के सम्मान में गरुण ध्वज की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? गरुण ध्वज। आपको पूछेगा कि गरुण ध्वज की स्थापना किसने किया था, तो आपको बताना है हेलियोडोरस ने। किस से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण यानी वासुदेव कृष्ण से संबंधित है। अब आगे देखिए, इस वंश का अंतिम शासक हुआ देवभूति। क्या? कौन हुआ? देवभूति। आपको याद रखना है कि शुंग वंश के अंतिम शासक हुआ देवभूति, जिसकी हत्या करके उसके ब्राह्मण मंत्री, कौन? ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने गद्दी पर कब्जा कर लिया और वासुदेव ने एक अन्य वंश की स्थापना किया जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और वो वंश था कण्व वंश। तो आपको बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या याद रखना है शुंग वंश के बारे में? सबसे पहला पॉइंट, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? आप रिकॉल करिए, 3-4-5 बार जब चीजों को रिकॉल करेंगे, जब पढ़ने के बाद, जब पीपीटी पढ़ने के बाद आप उस चीज को मंथन करिए, सोचिए, तब आपको चीजें याद रहेगा। जब याद रहेगा तब एग्जाम में जब बना कर आएंगे तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस से आप बाहर निकलेंगे कि हाँ हमने क्वेश्चन बनाया और सही बनाया। देखिए आपको याद रखना, सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। कौन थे? एक ब्राह्मण थे। इसके बाद याद क्या करना, किसके हत्या करके स्थापना किया था? तो वो किसके हत्या? बृहद्रथ की हत्या करके। इसके एक इसके जस्ट बाद के जो शासक था उसका नाम था अग्निमित्र, और अग्निमित्र के सम्मान में कालिदास नामक जो एक लेखक था उसने क्या लिखा है? कालिदास कौन थे? जो कवि कालिदास के बारे में जब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में जब आगे गुप्त पीरियड पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि उसी नवरत्न में से एक कालिदास भी थे, और इसने एक रचना लिखा था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम, जिसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा किया गया है। तो आपको 4 पॉइंट हो गया, और एक और पॉइंट याद रखना है, जो हेलियोडोरस जो था यूनानी शासक था हेलियोडोरस, जो आया था भागवत के दरबार में, और इसने क्या किया था? गरुण ध्वज की स्थापना किया था। कहां किया था? विदिशा में। तो चुटुल कुल मिलाकर यही 5-6 पॉइंट आपको याद रखना है। इस यहां से जो भी प्रश्न आएगा आप कर ले जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही विस्तार और बहुत ही डीप में दिया गया है। आप देखेंगे तो शुंग वंश, अगर एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये लिखा रहेगा कि पुष्पमित्र शुंग ने स्थापना किया था बृहद्रथ को हत्या करके। इसके आगे बहुत छोटा मोटा पॉइंट लिखा रहेगा जिसका कोई अर्थ ना है। तो चलिए
इसके बाद हम देखते हैं कण वंश के बारे में। पीछे आपको बताएं कि कण वंश के बारे में बताएं कि इस वंश का संस्थापक वासुमित्र था। कौन था? कण वंश की स्थापना वासुमित्र ने किया था, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसके बाद बात करें, इस वंश के शासक ने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 45 वर्षों तक शासन किया, यानी कि 45 वर्षों तक शासन किया। और बात करें कब से कब तक किया, तो ये 30 ईसा पूर्व, यार पीछे बताए हुए थे, और ये 30 ईसा पूर्व तक ही शासन किया, यानी कि 30 ईसा पूर्व तक ये शासन किया। इस अवधि में 4 शासक हुए। कितने शासक हुए? 4 शासक। क्या इसका नाम याद रखना जरूरी है? तो जी नहीं, अगर याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो कोई बड़ी इशू नहीं है। इसमें देखिये पहला है वासुमित्र, भूमिमित्र हो गया, जिसको भूमित्र भी कहते हैं। इसके बाद देखिये नारायण हो गया और सुशर्मन, फिर सातवाहन ने इसे उखाड़ फेंका। फिर क्या हुआ, कण्व वंश को उखाड़ फेंका सातवाहन ने, और सातवाहन ने एक अन्य वंश की स्थापना किया, सातवाहन वंश। इसके बारे में हम आगे जब दक्षिण के जब अभी तो नॉर्थ इंडिया में चल रहे हैं, जब हम साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। देखिये इसी बीच क्या हुआ था कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में भारत में आक्रमण कर रहा था। वो किस साइड से आक्रमण कर रहा था? वो दक्षिण पश्चिम जो देखते हैं सुलेमान किरथर वाला, जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सुलेमान किरथर जो पश्चिम यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया पड़ता है, उस साइड से होते हुए ये लोग आक्रमण कर रहे थे। तो वो लोग जब आक्रमण कर रहे थे तो सबसे पहले कौन आक्रमण किया, दूसरे नंबर पर कौन किया, तीसरे नंबर पर कौन किया, चौथे नंबर पर कौन किया, ये कालक्रम से सजाने के लिए कई बार पूछा गया। तो बता दें सबसे पहले जो किया था वो इंडो ग्रीक किया था, इसके बाद दूसरा जो था वो शक था, तीसरा जो था वो पार्सियन था, और चौथा कौन था, कुशान था। इन्होंने क्रम से शासन किया, क्रम से ये क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इन सभी के बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, मध्य एशियाई जनजाति का उत्तर पश्चिम, क्या उत्तर पश्चिम जो आपको बताया, एवं उत्तर भारत पर नियंत्रण क्या हुआ, निरंतर आक्रमण होता रहा, यानी कि निरंतर यानी कि बार बार आक्रमण होता रहा। इन आक्रमणकारियों के द्वारा नए नए क्या हुआ, इन आक्रमणकारियों के द्वारा नए नए राज्य का स्थापित किया जाता रहा। तो नए नए स्थापित जो राज्य किया जाता रहा उसमें कौन कौन से राज्य है, देखिए सबसे पहला जो राजवंश है वो इंडो ग्रीक है। एक बार आपको चारों वंश का नाम लिख देते ताकि आपको अगर लाइन से आए तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिये इंडो ग्रीक हो गया पहला, दूसरा नंबर कौन था, शक हो गया, इसके बाद कौन आया था, शक के बाद कौन है, पार्शियन आया था, इसके बाद कौन आया था, कुशान आया था, आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि कालक्रम से सजाइए कि पहले कौन आया था, दूसरे कौन आया था, तीसरा कौन आया था, चौथा कौन आया था, तो आपको भी याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए आपको मोटा मोटी क्या यहाँ पे याद रखना है, यानी कि इंडो ग्रीक के 2 राजवंश ने भारत पर समानांतर रूप से शासन किया। इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि इंडो ग्रीक जो वंश, इंडो ग्रीक जो आक्रमणकारी थे यानी इंडो ग्रीक वंश के, वो 2 समानांतर जो शासन कर रहे थे भारत पर, 2 समानांतर वंश के रूप में शासन कर रहे थे। पहला शासन जो किया था, पहला वंश जो था वो डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस। एवं दूसरा जो था वो कौन था? दूसरा जो था यूक्रेटाइड्स था। क्या दोनों के बारे में याद रखना है? तो नहीं, इसके बारे में बस आपको इसके राजधानी याद करना रखना है। देखिए डेमेट्रियस वंश की जो राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी सकाल था, और दूसरा अगर यूक्रेटाइड्स वंश के बारे में, यूक्रेटाइड्स यानी कि यूक्रेटाइड्स वंश के शासक की बात करें तो इसकी राजधानी जो था वो तक्षशिला था। तो ये 2 बात आपको याद रखना है कि अगर 2 बात याद रखना कि डेमेट्रियस वंश के जो राजधानी था वो सकाल था, और यूक्रेटाइड्स वंश के जो राजधानी था वो तक्षशिला था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, बनाया गया था। इन राजवंशों के विषय में हमें सूचना कहाँ से मिलता है? तो इन राजवंशों के बारे में हमें सूचना सिक्कों के माध्यम से मिलता है। जब हम आपको सिक्कों का इतिहास बताएंगे, देखिए हिस्ट्री क्या है, एक दूसरे से क्रम यानी कि इंटरलिंग है। तो आपको अगर यहाँ पे अगर किसी बात का अगर चर्चा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आगे बताएंगे, तो वो सच में वो चीजें आगे हम आपको बताएंगे, और सिक्कों का इतिहास बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि सबसे पहले आहत सिक्का हुआ, आहत सिक्का क्या होता था, जो धातु यानी कि पत्थर के यानी चांदी के बनता था, जो सबसे पहला सिक्का जो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना हुआ करता था। इसके बाद आगे हम सिक्के के इतिहास बताएंगे कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन है सबसे ज्यादा सोने के सिक्का किसने जारी किया, ये सभी बातों को बहुत विस्तार से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक बात याद नोट करिएगा कि सिक्कों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि पहली बार इन्हीं राजवंशों के द्वारा शासकों के नाम से यानी शासकों के नाम पे सिक्के जारी किए जाने लगे। तो आपको क्या याद रखना है कि पहली बार किस शासकों के द्वारा सिक्के जारी किए जाने लगे, तो इंडो ग्रीक वंश के जो शासक था उसी के द्वारा पहली बार सिक्के जारी करने लगे। किसके नाम पे? शासकों के नाम से सिक्के जारी करने लगे। इसके बाद बात करें डेमेट्रियस, यानी कि डेमेट्रियस जो था, डेमेट्रियस वंश के एक शासक मिनांडर, कौन था? मिनांडर था। मिनांडर के बारे में याद रखना है, मिनांडर जिसका वाद विवाद एक भारतीय संत नागसेन से हुआ था। किसके हुआ था? नागसेन के बीच हुआ था। तो इसके बारे में जो एक वर्णन मिलता है वो मलिंद पन्हों में मिलता है। किसमें? मलिंद पन्हों नामक एक रचना है,
जो एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें हमें जानकारी मिलता है कि जो मीनांडर था और भारतीय बौद्ध संत एक नागसेन थे, इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ था। इसी से हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा कोई वंश था जिसके बारे में ऐसा कोई वंश था। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रमाणिक हो जाता है, जो सिक्के के बारे में सिक्के से मिला था तो वहां से भी जानकारी मिला, और कुछ जानकारी जो है इस बुक के माध्यम से, यानी मिलिंद पनु है इसके बाद, इससे हमें मिलता है। तो हमें कुल मिलाकर यहाँ चीजें ये याद रखनी है कि इंडो ग्रीक वंश जो था पहला वंश था जिसके राजा के नाम, यानी कि जिसके शासक के नाम से सिक्के जारी होते रहा। इसी वंश का एक शासक था नागसेन, कौन था नहीं कौन था मिनांडर था, जिसके जिसके बारे में चर्चा कहाँ मिलता है, मलिंद पन्हो नामक रचना में। मलिंद पन्हो क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ था। मिनांडर का साम्राज्य झेलम से मथुरा, यानी कि झेलम नदी से लेकर मथुरा तक विस्तृत, यानी कि विस्तृत प्रतीत होता है, और इसकी राजधानी सियालकोट थी। यानी कि जो मिनांडर की राजधानी थी वो बता रहता है कि सियालकोट थी, लेकिन ये चीजें याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि मलिंद पन्हो नामक पुस्तक में किसके बारे में चर्चा मिलता है। तो आपको बताना है मिनांडर और भारतीय संत नागसेन। नागार्जुन दे देगा कन्फ्यूजन, कई बार यूपीएससी की परीक्षा अगर देखेंगे तो 2023, यानी इसी ईयर की अगर देखेंगे तो, यानी कि पिछले ईयर, यानी कि 2023 वाला, तो उसमें देखेंगे तो क्या पूछा है कि मिनांडर यानी कि मलिंद पन्हो नामक पुस्तक में किसकी चर्चा है। भारतीय सेन मिनांडर और नागसेन दिया है, मिनांडर और नागार्जुन भी दिया है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होकर नागार्जुन मार देते हैं, लेकिन नागार्जुन नहीं मानना है, हमें नागसेन के बारे में मानना है, यानी नागसेन और मिनांडर के बीच में ये बातें हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं शक वंश, यानी शक वंश की बात करें तो वैसे तो भारत में शकों की कई शाखा थी, यानी कई सारा शाखा जो था जो काम कर रहा था भारत में, यानी कई सारा शाखा जो था भारत में शासन कर रहा था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण शाखा जो था वो कौन था, वो पश्चिमी शाखा था। पश्चिमी शाखा था, इस शाखा से संबंध सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ रुद्रदामन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है जो आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न बनेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा रुद्रदामन जिसने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था, क्या क्या था, सुदर्शन झील का मरम्मत कराई थी। तो आपको याद रखेगा कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था, तो आपको बताना है कि रुद्रदामन ने किया था। इसके बाद बात कहते हैं सबसे, यानी संस्कृत का पहला अभिलेख जिसको कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख के रूप में जारी किया था। आपसे पूछेगा कि जूनागढ़ नामक अभिलेख किसने लिखा था, तो आपको बताना है समुद्र किसने लिखा था, स्कंद गुप्त यानी रुद्रदामन ने लिखा था। किसने लिखा था, रुद्रदामन ने लिखा था। और ये क्या है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो आपको मोटा मोटी यहीं से, आपको शक राजवंश के बारे में आपको ये मोटा मोटी ये याद रखना है कि शक वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ उसका नाम था रुद्रदामन, जिसने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, और संस्कृत में एक जूनागढ़ नामक अभिलेख की रचना किया था जो संस्कृत भाषा में था और सबसे लंबा था। तो चलिए अगर बात करिए कब रचना हुआ, तो वो दूसरी शताब्दी ईस्वी में, यानी कि दूसरी बीसी में, सेकेंड बीसी में। कई बार ये प्रश्न बना है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किस शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, तो आपको बताना है सेकेंड बीसी में, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। जूनागढ़ अभिलेख में उसे, देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करना है कि जूनागढ़ अभिलेख में उसे क्या कहा जाता है, तो भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक, यानी क्या कहा जाता है, भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त जो आगे हम पढ़ेंगे उसके समान ही उसने पराजित राजाओं को पुनः वापस कर दिया। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि रुद्रदामन ने जो भी चीजें जीती, यानी कि जिस भी शासक से लड़ाई किया उसकी भूमि को जीता, इसने क्या किया, पुनः उस राजा को दे दिया, बदले में उनसे छोटा थोड़ा बहुत टैक्स लिया करता था, बाकी बात उसके जैसे शासन कर रहे थे उसी तरीके से उसको शासन करने की आजादी दे दी, जैसे समुद्रगुप्त ने दिया था। चलिए अब हमारा जो तीसरा वंश है वो पार्थियन, यानी कि पार्शियन वंश है। इसके बारे में मोटा मोटी कुछ नहीं याद रखना, इसके बारे में याद करना है कि भारत में इस वंश का शासक गंडो फर्निस था। कौन था, भारत में इस वंश का संस्थापक गंडो फर्निस था। इसी के काल में प्रथम ईसाई संत जो कौन था, सेंट टॉमस, कौन था, सेंट टॉमस का आगमन हुआ था। तो आपको मोटा मोटी याद रखना है कि गंडो फर्निस जो था वो पार्शियन वंश से संबंधित है। अब देखिए कुषाण, भर भर के प्रश्न यहाँ से आएंगे आपसे। कुषाण वंश के बारे में बहुत ही प्रश्न बनता है, और बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है तो कनिष्क के बारे में, यहाँ से कनिष्क के बारे में प्रश्न बनता है। फिर इसी के कुषाण जो आपके बारे में, कुषाण के बारे में जब हम बहुत, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे तो उस समय आपको एक चीज बताएंगे, कुषाण वंश के अंतिम राजा जो, यानी कुषाण वंश के जो शासक था महत्वपूर्ण राजा कनिष्क, उसी के काल में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुआ था, जो कहाँ हुआ था, काश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था कनिष्क ने, और उपाध्यक्ष जो था वो वासुमित्र था। इसी में क्या हुआ था, दो पंथों में बट गया था, हीनयान और महायान में, ये दो भागों में बट गया था। तो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, किंतु अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी देख लेंगे। और कुषाण का जो काल है वो रेशम मार्ग के लिए बहुत ही फेमस है, यानी कि रेशम मार्ग से ये लोग व्यापार किया करते थे। तो चलिए एक बार कनिष्क, यानी कि कुषाण राजवंश के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए कुषाण जो था वो यूची जनजाति से था। क्या था, कुषाण किसान, जो कुषाण राजवंश था वो यूची जनजाति से संबंधित था। किस जनजाति से संबंधित था, यूची जनजाति से संबंधित था। इसे संगठित करने का काम जो था प्रथम सदी में, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि प्रथम सदी में, सदी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ था, कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए कहता है, क्योंकि प्रश्न आप थोड़ा सा किसी भी, देखिए आपको 50 प्रश्न करना है,
यानी 50 प्रश्न पूछा जाएगा, आपको करना कितना है 40 प्रश्न करना है, तो प्रश्न तो टफ बनेगा ही। तो अब क्या होगा कि सीधे सीधे फैक्ट कहीं कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो फैक्ट बेस आएगा, और बहुत ज्यादा मानी कि 20 से 15 प्रश्न तो ऐसा जरूर आएगा जो टफ रहेगा, जो सबके लिए टफ रहेगा आपके लिए नहीं, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करके अगर पढ़ेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। हिस्ट्री में फैक्ट तो है लेकिन फैक्ट के साथ कंसेप्ट भी है, अगर आप उसको यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। देखिए यहाँ पे याद रखना है कि प्रथम सदी में, कब प्रथम सदी में कुजुल कंडिफिशियस एवं बीम कंडिफिशियस ये दोनों भाइयों ने, यानी कि दोनों शासकों ने क्या किया था कि ये जो कुषाण वंश है उसको संगठित करने का काम किया था। कि कुषाण क्या था, एक यूची जनजाति से संबंधित था जिसको संगठित करने का काम कुजुल कंडिफिशियस और बीम कंडिफिशियस ने किया था। इसके बाद बात करें बीम कंडिफिशियस एवं एक क्या था, एक सैव था। आपको पूछ देगा कि बीम कंडिफिशियस किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है कि सैव धर्म से संबंधित है। उसके सिक्कों पर कैसे पता चलता है, उसके सिक्कों पर क्या है, शिव हो गया, त्रिशूल हो गया एवं नंदी 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 यानी बैल का चित्र मिलता है। इस वंश का प्रमुख जो शासक हुआ वो कनिष्क हुआ। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क का राजरोहण जो हुआ था वो 78 ईसा पूर्व में इसका सिंहासन रोहन हुआ था। साथ ही शक संवत का प्रारंभ होता है। कई बार प्रश्न बना कि शक संवत का आरंभ कब हुआ है, तो आपको बताना है कि 78 ईस्वी में। कब हुआ, 78 ईस्वी में। ईस्वी को हम कहते हैं अंग्रेजी में एडी कहते हैं, एनो डोमिनी, तो एडी में हुआ था यानी 78 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, माना यानी कि शुरुआत हुआ था। इसके बाद बात करें कनिष्क की दो राजधानी थी। जब हम लोग पिछले यानी कि पिछले ईयर जब हम हिस्ट्री के एंट्रेंस देते थे तो वहां भी पूछा गया था कि कनिष्क ने प्रथम राजधानी किसको बनाया था और द्वितीय राजधानी किसको बनाया था। तो बात करें प्रथम राजधानी की, तो प्रथम राजधानी जो था वो पुरुषपुर था। कौन था, पुरुषपुर जिसे पेशावर कहते हैं, एवं दूसरा कौन था, दूसरा मथुरा था। उसके काल में ही कश्मीर के कुंडलगढ़ में, जो पीछे आपको बताया कश्मीर के कुंडलगढ़ वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, यानी चार बौद्ध संगीति हुआ था, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला हुआ था कब, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, चौथा कब हुआ था, ये आगे हम जब बौद्ध धर्म पर बताएंगे तो वहां बताएंगे, अगर यहां पे बताने लगे तो आप टॉपिक से भटक जाएंगे। तो चलिए फिर उसी सम्मेलन में, उसी सम्मेलन में क्या हुआ था, महायान बौद्ध पंथ एक पृथक शाखा बन गया था, यानी पृथक शाखा के रूप में विभाजित हुआ, यानी कि दो भागों में बट गया था, हीनयान अलग और महायान अलग, जो चौथी बौद्ध संगीति में बटा था। फिर पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में महान यानी कि महायान बौद्ध पंथ का फैलाव फैलाने का श्रेय कनिष्क को दिया जाता है, यानी कि पश्चिमी एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया, इन सभी में महायान बौद्ध पंथ को फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो कनिष्क को ही दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया जो मध्य, इसका डिस्टेंस कई बार पूछता है, जो मध्य एशिया में खुरासान, कहां से, मध्य एशिया में खुरासान से उत्तर भारत में बनारस तक फैला हुआ था। बनारस के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग का इच्छा अगर बीएचयू में एडमिशन लेने की होगी तो आप लोग बनारस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो आगे आप जान जाएंगे कि बनारस में ही बीएचयू है जिसको कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और एनआईआरएफ के रैंक में थर्ड रैंक है, जहां से हम लोग भी यूजी किए हैं और पीजी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, फैला हुआ है प्रसिद्ध रेशम मार्ग के यानी कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग के भी एक भाग पर उसका नियंत्रण था। इसके बाद बात करें अर्थात वो रोमन साम्राज्य और चीन साम्राज्य के समानांतर रेशम मार्ग के संचालन में रुचि लेता था। तो कुल मिला के मोटा मोटी यही कह रहा है कि यहाँ पे रेशम मार्ग के लिए भी ये जाने जाता है, क्योंकि रेशम मार्ग से व्यापार हुआ करता था। तो यही आपको मोटा मोटी कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के बारे में आपको ये याद रखना है, कुषाण वंश जो है यूची जनजाति से संबंधित है, इसको यानी कि संगठित करने का काम जो किया था वो बीम कंडिफिशियस एवं कुजुल कंडिफिशियस नामक शासक ने किया था। इसके बाद बात करना कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ वो कनिष्क हुआ। कनिष्क किस लिए जाना जाता है, तो कनिष्क ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी कि चौथी बौद्ध संगीति भी हुआ था, जो कब हुआ था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में हुआ था। इसके बाद बात करें 78 ईसा पूर्व में इसने शक संवत के आरंभ किया था। इसके बाद ये किस लिए जाना जाता है, तो रेशम मार्ग के लिए जाना जाता है। तो मोटा मोटी कनिष्क के बारे में यही 3-4 पॉइंट आप अगर याद रखेंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए राज्य निर्माण के माध्यम से जो राज्य स्थापित हुआ था उसका नाम है सातवाहन वंश। कौन है, सातवाहन वंश के बारे में पीछे आपको बताए थे, जब कण वंश के बारे में बताए थे तो जो कण वंश को उखाड़ के फेंका था और सातवाहन वंश की स्थापना किया था। अब सातवाहन वंश के बारे में कुछ विशेषता है जिसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए सातवाहन शक्ति का संस्थापक की बात करें तो सिमुक ने, किसने स्थापना किया था सातवाहन वंश के, तो सातवाहन वंश के जो स्थापना किया था वो सिमुक ने किया था। परंतु इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा, सबसे शक्तिशाली नहीं कर रहा, सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ वो गौतमीपुत्र सतकर्णी हुआ। कौन हुआ, गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में तक शासन किया, क्या हुआ कि इसने दूसरी सदी में शासन किया था। कब शासन किया था, दूसरी सदी में शासन, यानी कि सेकंड बीसी में शासन किया था। इसके विषय में हमें सूचना इसके माता गौतमी बलसरी, कौन है, माता ऐसी है गौतमी बलसरी, उसकी एक उसका एक क्या है, एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है, नासिर अभिलेख। क्या है, नासिर अभिलेख। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि नासिर अभिलेख का किससे संबंध है, तो नासिर का अभिलेख जो है जिसकी रचना गौतमी बलसरी ने किया था। इसके बाद बात करें इस वंश का अंतिम महान राजा जो हुआ यज्ञश्री सतकर्णी हुआ। इस वंश की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। आपसे पूछा गया कि सातवाहन वंश की स्थापना कहाँ हुआ था, तो बताएंगे कि महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र है वहां पे इस वंश का स्थापना हुआ था। इसके बाद बात करें फिर इसका प्रसार जो है आंध्र प्रदेश, कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में
देखने को मिलता है। तीसरी सदी में इस वंश का पतन हो गया था, यानी कि तीसरी सदी में इस वंश का क्या हुआ था, पतन हो गया, यानी दूसरी सदी में इस वंश का आरंभ हुआ था और तीसरी सदी में इस वंश का पतन हो गया था। फिर इसके पश्चात क्या हुआ था, महाराष्ट्र क्षेत्र में वाकाटक वंश और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जो है इसमें इक्ष्वाकु राज की स्थापना हुआ था, परंतु मान कि हुआ था। और इसके बाद देखते हैं वाकाटक राज के जो संस्थापक था वो कौन था, विंध्य शक्ति था। तो देखिये पॉइंट आपको बताते हैं यहाँ से किस किस पॉइंट को आप याद रखना है। सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, तो आपको बताना है सिमुक ने किया था। इसके बाद बात करें इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ, तो आपको बताए थे कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके बाद आपको याद रखना है इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलता है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी इसके बारे में जानकारी, यानी कि इस सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, तो आपको बताए थे एक अभिलेख है जिसका नाम है नासिर अभिलेख। नासिर अभिलेख की रचनाकार कौन है, तो वो गौतमीपुत्र वलसरी। आपको याद रखना कि गौतमीपुत्र वलसरी ने नासिर अभिलेख की रचना किया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा, नासिक अभिलेख तो आपको बताना है कि इसकी रचना जो किया था वो गौतमी पुत्र क्या, बलश्री। आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार बना है तो आपको याद रखना ज्यादा है कि याद रखना उचित हो जाएगा, अगर याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ताकि आपका प्रश्न यहाँ से बन जाए। तो आपको याद रखना है गौतमी बलश्री ने नासिर में अभिलेख रचना किया था। और ये वंश कहाँ स्थापित हुआ था, तो बताना है कि ये वंश जो है मोटा मोटी महाराष्ट्र वाला जो आज हम क्षेत्र देखते हैं वहां पर स्थापित हुआ था। आगे चलकर इस वंश ने अपना विस्तार भी किया था, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी कि फैला रहा था, अपना विस्तार कर रहा था। उसी कड़ी में देखते जब इस वंश का जब यानी कि समाप्त हुआ, जब तीसरी शताब्दी में यानी कि तीसरी यानी कि थर्ड एडी में यानी कि थर्ड ईस्वी में जब समाप्त हुआ, तो इसमें क्या हुआ, जब समाप्त हुआ तो देखते हैं एक तरफ जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, जो मानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे वाकाटक वंश हो गया, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखते हैं इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुआ। इसी के कब्र पे यानी सातवाहन के कब्र पर कौन सा वंश स्थापित हुआ, तो बात करें वाकाटक और इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुआ। और बात करें वाकाटक वंश के कौन से राजा संबंध, तो विंध्य शक्ति। कई बार एग्जाम में पूछा है कि विंध्य शक्ति, अगर पिछले ईयर के सीरियस आप लोग को ये सब परीक्षा का प्रश्न इसलिए बताते हैं ताकि आपका रुचि बढ़े, आप पढ़ने से मैंने कि ये चीजें जो बता रहे हैं उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सब आगे जब आप किसी भी कम्पिटेटिव परीक्षा देंगे तो देखेंगे कि यही से प्रश्न बनेगा, और इतना विस्तार में आप वहाँ पढ़ेंगे भी नहीं। अगर छोटे मोटे जैसे मान लीजिए आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी दरोगा, तो आप देखेंगे इतने विस्तार में आपको वहाँ पर पढ़ाया भी नहीं जाएगा, कुछ फैक्ट वगैरह याद करवाया जाएगा ताकि आपको यहाँ से प्रश्न बन जाए, लेकिन आप इतने विस्तार से पढ़े रहेंगे तो सोचिए वहाँ पे कितने आप कमाल करेंगे। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, आपको याद रखना है वाकाटक वंश के जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति था। इसके बारे में सीबीएस पेपर में पूछा भी गया है 2023 के। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और विशेषता है सातवाहन की, उसको देख लेते हैं। इसका जो पुत्र था वो प्रवरसेन था। प्रवरसेन भी एक शक्तिशाली शासक हुआ, जो प्रवरसेन था वो भी एक शक्तिशाली शासक हुआ था, तथा उसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। क्या था, उसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। इसके समय वकाटको यानी वकाटको का साम्राज्य उत्तर के मध्य क्या हुआ था, उत्तर के मध्य प्रांत था, बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में उत्तरी हैदराबाद तक फैल गया था। ये सब चीजें आपको याद नहीं रखना, एक बार देख लीजिए। प्रवरसेन के पश्चात उसका पुत्र साम्राज्य के दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग जो था उसके पुत्र गौतमीपुत्र की अध्यक्षता में नागपुर में स्थापित हो गया, और दूसरा भाग जो था वो सर्वसेन एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधीन बरार एवं वत्स गुल्मा में नागपुर केंद्र के एक शासक रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। और ये चीज हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको एक चीज आपको याद रखना है, जो आगे चल के क्या हुआ था, ये जो वाकाटक वंश था, इक्ष्वाकु वंश था, ये भी अपना विस्तार करते गया और वाकाटक वंश था वो दो भागों में बट गया। इसके बाद बात करते हैं कि जो वाकाटक वंश के एक राजा, वाकाटक वंश के एक शासक था जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, जिसका विवाह हुआ था। आगे चल के हम देखते हैं गुप्त सम्राज्य जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि गुप्त सम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं कि गुप्त सम्राज्य के जो सम्राट हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसकी पुत्री जो था वो प्रभावती गुप्त, उससे विवाह हुआ था वाकाटक के। देखिए कालक्रम समझ रहे, जिस समय उत्तर भारत का इतिहास चल रहा था ठीक उसी समय तो दक्षिण भारत का भी इतिहास चल रहा था, क्योंकि आप कन्फ्यूजन ना हो, जिस समय उत्तर भारत में कुछ इतिहास चल रहा था ठीक उसी समय दक्षिण भारत में भी चल रहा होगा, तो दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उत्तर के बारे में, उत्तर में जितने भी वंश था उसको पढ़े, इसके बाद दक्षिण में जो भी वंश है उसको हम उसी समय काल में हम देखते हैं। तो पहले सातवाहन को देखे हैं, अब सातवाहन के बाद हम देखते हैं सातवाहन के कब्र पर कौन था, वाकाटक और इक्ष्वाकु। अब वाकाटक इक्ष्वाकु का आगे हम देखते हैं कौन कौन सा था उसी समय देखते हैं। अब देखिए एक और राज्य,
कलिंग राज। आपको देखिए यहाँ पे चर्चा ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा इसलिए कर देंगे क्योंकि यहाँ से अगर एक भी प्रश्न बनेगा कि कलिंग के बारे में, तो आप डीपली बता देंगे कि आप पीछे आप कलिंग के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो हो सकता है एक बार कलिंग के बारे में, कलिंग जो साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ लें। कलिंग के जो शासक था वो खारवेल था। कौन था? खारवेल। इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलता है वो हाथी गुंफा अभिलेख, एक हाथी गुंफा अभिलेख है जिसको याद रखेगा कि हाथी गुंफा अभिलेख किससे संबंधित है, और सबसे पूछा कलिंग राजवेद, कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। कई बार पूछा गया कि हाथी गुंफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। इसके बाद देखिए, यह उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है? उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, जो भुवनेश्वर के निकट है। कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उसके निकट है। खारवेल को कलिंग का महान शासक माना जाता है, जो कलिंग था उसके महान शासक माना जाता है, तथा उसके अनेक सैन्य एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां बताई जाती है, परंतु इसके जानने का एकमात्र स्रोत है, यानी कि एकमात्र स्रोत है वो हाथी गुंफा अभिलेख। आपको बताया था कि हाथी गुंफा अभिलेख इसके जानने के एकमात्र स्रोत है, तो इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसी में हमें ज्ञात होता है कि चेदी वंश का जो संस्थापक था वह महामेघवाहन था। कौन है? महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, तथा खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। 24 वर्ष की आयु में तथा 24 ईसा पूर्व तक वह सिंहासन पर बैठा था। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से याद रखना, कलिंग में आपको आपको पूछेगा कि हाथी गुंफा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। आप यही पॉइंट याद रखेंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद देखिए, उसी समय जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये चीजें देखने को मिलेगा। चोल चेर पांडे सुदूर दक्षिण, जो दक्षिण वाला भाग देखते हैं वहां पे ये चोल चेर और पांडे नामक शासक शासन कर रहे थे। तो इस काल में चोल हो गया चेल हो गया चोल चोल हो गया चेर हो गया और पांडे राज्य की सूचना हमें मिलती है। इनके विषय में हमें आरंभिक सूचना अशोक के अभिलेख है। कहाँ से मिलता है? अशोक के अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद देखते हैं जहाँ चोल चेर और केरला पुत्र की जिक्र मिलता है, जहाँ किसके बारे में जानकारी मिलता है? चोल चेर और केरला पुत्र के बारे में जानकारी मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रथम सदी अथवा दूसरी सदी में संभव हुआ। यानी प्रथम सदी और दूसरी सदी में इसके राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है संभव हुआ। पहले इसके बारे में जानकारी तो मिला है, लेकिन जो राज्य बनने की प्रक्रिया वो पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं। इसको देखिए, संभव हुआ इसके विषय में हमें सूचना आरंभिक तमिल कहाँ मिलता है? आरंभिक तमिल साहित्य में मिलते हैं, जिसको हम संगम साहित्य भी कहते हैं। कई बार हमको आपसे पूछेगा संगम साहित्य में किसके बारे में चर्चा मिलता है, तो आपको बताएंगे चोल चेर और पांडे। किसके बारे में मिलता है? चोल चेर पांडे, जिसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है? संगम साहित्य से। कई बार पूछा गया संगम साहित्य का संबंध किससे है? साहित्य से मिलता है। आपने यहाँ पे देखा तमिल साहित्य, जिसको हम संगम साहित्य भी कहते हैं, जिसे संगम साहित्य का नाम से भी दिया जाता है, इसीलिए इन्हें संगम राज्य भी कहा जाता है। आपको संगम राज्य पूछ देगा कि संगम राज्य में कौन कौन से राजा आता है, तो आप दे देगा चोल चेर पांडे और कलिंग। तो आपको क्या बताना है कि इसमें तीन राजे चोल चेर पांडे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि चोल चेर पांडे जो है, जिसके बारे में संगम 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 यानी कि तमिल साहित्य मिलता है, तमिल साहित्य को हम संगम साहित्य भी कहते हैं, और इसीलिए इसको हम संगम राज्य भी कहते हैं। प्रारंभिक जानकारी जो मिलता है अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेख से मिलता है, किंतु बहुत प्रमाणिक तरीके वो मिला था, लेकिन बहुत ज्यादा जो राज्य बनने की प्रक्रिया हुआ था वो पहली शताब्दी में हुआ था, इसीलिए हम और भी ग्रंथ से मिलता है जिसका हम नाम पीछे आपको बता चुके हैं। चलिए अब देखिए, मौर्योत्तर काल के प्रशासन, यानी मौर्योत्तर काल में जो प्रशासन में क्या क्या व्यवस्था था उसको एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं। मोटा मोटी मौर्योत्तर काल में प्रशासन की व्यवस्था का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे हम जितने भी वंश पढ़े हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण में जितने भी वंश पढ़े, सभी के बारे में मोटा मोटी देखेंगे कि क्या व्यवस्था था। उत्तर में भी देखेंगे, जो उत्तर में पढ़े क्या क्या, आपको बताइए, आप लोग पीछे रिकॉल करिए कि किस किस के बारे में पढ़े हैं। सुंग वंश के बारे में पढ़े हैं, कण वंश के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद कण वंश के बारे में पढ़ने के बाद हम आपको बताएं कि विदेशी आक्रमणकारी उसी समय आक्रमण कर रहे थे, जिसमें पहला था इंडो ग्रीक हो गया, दूसरा हो गया शक हो गया, तीसरा पर्शियन हो गया, चौथा कौन है? कुषाण हो गया। ये चार वंश के बारे में पढ़े थे। इसके बाद हम क्या पढ़े हैं? सातवाहन के बारे में पढ़े हैं, और सातवाहन वंश जब समाप्त हुआ था तीसरी शताब्दी में, तो उसी वंश के जो कब्र था उसे, यानी कहा जाता है कब्र, यानी उसी वंश के जगह पे कौन जगह ले लिया? तो वह काटक और इच्छुआ को। इसके बाद दोनों के बारे में हम पढ़े, इसके बाद हम देखें कलिंग के बारे में देखें स्पेशली, इसके बाद चोल चेर पांडे जिसको हम संगम साहित्य भी कहते हैं इसके बारे में भी देखे हैं। अब देखेंगे टोटल कुल मिलाकर जितने भी है उसके सबके प्रशासन व्यवस्था, यानी कि उस समय मोटा मोटी क्या प्रशासन था। वैसे प्रशासन का डिमांड आपसे ये चैप्टर नहीं करता, जब आप देखेंगे एनसीईआरटी तो आपको प्रशासन नहीं डिमांड करते, यहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बात करता है, लेकिन हम फिर भी प्रशासन को पढ़ते हैं ताकि आपसे अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आप कर ले जाए। चलिए मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के कालक्रम की बात करें तो 200 ईसा पूर्व, यानी इसी ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं। आपको बताए हैं कि बीसी, आप ईसा पूर्व में अगर कंफ्यूज हैं तो आप याद रखना है बीसी और एडी, यानी एडी यानी ईसवी को एडी कहते हैं, ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं, यानी बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। चलिए आपको पीछे इसका कंसेप्ट भी बताएं, एक बार और बता देते हैं। बीसी जो होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी चीजें उसको बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी समय आया उसको हम एडी में काउंट करते हैं। तो चलिए बात करें कि इसके मौर्योत्तर काल के टाइम पीरियड जो पीछे बता चुके हैं, जो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक, यानी कुल मिलाकर के अगर ऐड करते हैं तो 500 वर्षों तक का, यानी 500 वर्षों तक का इतिहास हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, और 500 वर्षों तक के इतिहास के राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, इन सभी पे हमको चर्चा करना है। तो देखिए
शक, कुषाण एवं सातवाहन शासकों ने भारतीय राज्य को पराजित किया। किसको किया? भारतीय राज्य को पराजित किया, परंतु उन्होंने विस्थापित न करके उन्हें अधीनस्थ शासक के रूप में काम किया, यानी अधीनस्थ शासक के रूप में बने रहने दिया। कहने का क्या अर्थ है? जो शक है, कुषाण है, सातवाहन है, इस शासकों ने क्या भारतीय राज्य को तो जीता तो, किंतु उस पर प्रत्यक्ष रूप से उसको अपने अंदर नहीं मिलाया, बल्कि जो शासक थे, जो राजा थे, उसको बने रहने दिया, बल्कि उसे क्या हुआ, थोड़ा बहुत टैक्स लेकर के उसे काम चलाते थे। तो यही बातें यहाँ कर रहा है। इस तरह राज्य के अधीन राज्य की स्थापना उत्पन्न हुई, यानी कि राज्य के अधीन भी राज्य स्थापित होने शुरू हो गया था। इसके कारण निम्नलिखित परिणाम सामने आया, और कौन कौन सा परिणाम सामने आया उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, राजकीय उपाधि में अंतर आ गया, यानी कि राजकीय उपाधि में क्या हो गया, अंतर आ गया। अब क्या हुआ ना, अब इस समय क्या हुआ कि राजा महाराजा जो थे अपने अधीनस्थ शासक से ऊंचा दिखाने के लिए बड़े बड़े, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा उपाधि धारण करने लगा। महाक्षत्रक उपाधि धारण करने, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। तो यही बातें यहाँ पे कहा गया है, राजकीय उपाधि में अंतर आ गया और अधीनस्थ शासकों से अपने आप को क्या कर रहा है, अधीनस्थ शासकों से अपने आप को पृथक करने के लिए बड़े शासकों ने भारी भरकम उपाधि लेनी प्रारंभ कर दिया। इसके बाद देखिए, कुषाण शासकों द्वारा धारण की जाने वाली प्रभावशाली उपाधियों, जैसे उपाधि का नाम देखिएगा, आपसे पूछेगा कि ये उपाधि किसने धारण किया, तो नोट करिएगा। पहला महेश्वर, क्या महेश्वर, सर्व सर्वलोकेश्वर, क्या हो गया महेश्वर सर्वलोकेश्वर, सहानुशाही, क्या सहानुशाही, यानी कि महेश्वर सर्वलोकेश्वर सहानुशाही नामक उपाधि किसने धारण किया, तो कुषाण ने धारण किया आदि। इस तथ्य को प्रकट करती है कि उसके अधीन कोई छोटे राजा थे जो उन्हें सैनिक सेवा प्रदान करते थे। तो आपको पीछे यही मोटा मोटी कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये कोई जमीन है, ये कोई क्षेत्र है, इसको हमने जीत लिया था, क्या किया था, जीत लिया था, किंतु जीतने के बाद इस पे जो यहाँ के जो राजा था उसको हटा करके हमने यहाँ पे शासन खुद से नहीं किया, बल्कि जो राजा था यहाँ पे जो शासन कर रहा था उसी को शासन करने दिए, बल्कि उससे क्या हुआ था, उससे हम अलग रखने के लिए अपने आप को ऊंचा उपाधि धारण करने लगे, यानी बहुत बड़ा बड़ा उपाधि धारण करने लगे, और साथ में इससे छोटा थोड़ा बहुत टैक्स लेकर के काम चलाते थे। इससे सैनिक मदद, जब भी हमें युद्ध होता था, जब भी राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे किसी अन्य स्टेट से, यानी किसी अन्य राज्य के लिए, तो उस समय ऐसे राज्य से उम्मीद किया जाता, जो अधीनस्थ शासक था उससे उम्मीद किया जाता था कि वो इनका साथ दे। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि किस पॉइंट को हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, उपयुक्त व्यवस्था की वजह से, क्या हुआ, उपयुक्त व्यवस्था की वजह से राज्य के अधीन ही अनेक यानी कि स्वायत्तता प्राप्त इकाइयों का उदय हुआ, जो प्रकारांत यानी कि प्रकारांतर से सामंती व्यवस्था का आधार बन गया, यानी कि क्या हुआ कि सामंती व्यवस्था का आधार यहीं से बनना शुरू हो गया। इसके बाद देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस प्रकार के विजय को धर्म विजय का नाम दिया, क्या नाम दिया, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका किसको नाम धर्म विजय दिया गया। तो पीछे जो बातें बताए हैं कि जब भी कोई राजा किसी भूमि को जीतता है तो उसको कब उसको अपने अंदर शासन अपने में मिलाने के बजाय उसको जो अधीनस्थ शासक था, जो राजा था, उसको ही बने रहने दिया, जिसको अधीनस्थ शासक का दर्जा मिला, और उससे अपने आप को पृथक करने के लिए क्या हुआ, बहुत भारी भरकम उपाधि धारण करने लगा। इसी उपाधि धारण करने के जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में है उसमें क्या कहते हैं, धर्म विजय, यानी कि ऐसे विजय को धर्म विजय कहते हैं। तो चलिए आपको देखिए क्या कह रहा है, मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य मौर्य का पीरियड के बाद जो काल था, मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण, क्या हुआ, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैविक तत्वों के समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। यानी कहने का ये अर्थ है कि अब क्या हुआ, तुलना किया जाने लगा कि राजा से अब व्यक्ति अपने आप को तुलना किया जाने, कि राजा को देवता से तुलना किया जाने लगा कि राजा अब देवता के समान है। देखिए, राजाओं की तुलना देवता देवताओं से की जाने लगी। इसके बाद बात करते हैं उदाहरण के लिए, एक उदाहरण मिलता है, कैसे पता चलता है, ये जितने भी चीजें देखिए आपको बताए थे पीछे, इतिहास जब भी कोई हमको साक्ष्य नहीं मिलता है तब तक हम मानते ही नहीं इतिहास। तो कैसे हमको पता चला कि ऐसा यानी कि राजा जो है अपनी तुलना देवता से करते हैं, तो इसके बारे में एक उदाहरण मिलता है, सातवाहन शासकों ने अपनी तुलना देवताओं से, किसी की देवताओं से की, तथा कुषाणों ने देव पुत्र की उपाधि धारण की। आपसे पूछेगा कि देव पुत्र की उपाधि किसने धारण किया, आपको बताना है कुषाणों ने देव पुत्र की उपाधि धारण किया था। इसके बाद बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या है, इसके साथ कुषाण शासकों ने मंदिर में भी अपनी मूर्ति स्थापित की, यानी यहाँ तक कि अपनी मूर्ति यानी कि भगवान की मूर्ति नहीं, अपनी मूर्ति मंदिर में स्थापित करने लगे। जैसे आप हम आजकल देखते हैं ना कि मंदिर में शिव की मूर्ति है, या माता दुर्गा की मूर्ति है, या सॉरी या किसी भी भगवान की मूर्ति है, किंतु वहां पे क्या हुआ, कुषाण वंश के शासक ने देखते हैं, यानी कुषाण वंश के शासन ने राजा ने क्या किया, अपना मूर्ति बना करके मंदिर में रखने लगा। तो इससे पता चलता है कि उस समय जो राजा थे अपनी तुलना देवताओं से करने लगे। इसके बाद बात करते हैं और एक उदाहरण मिलता है,
कहाँ मिलता है? उदाहरण के लिए मथुरा के माट, यानी मथुरा के माट नामक स्थान पर निर्मित मंदिर, यानी कि उदाहरण मिलता है कि कहाँ पे ऐसा हुआ था। तो ये मथुरा के माट नामक जो स्थान है, यानी मथुरा में एक माट नामक स्थान है, वहीं पे ये मंदिर देखने को मिलता है जो कुषाण वंश के राजा ने अपनी मूर्ति स्थापित किया था। चलिए आपको ये भी पता चल गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, सातवाहन शासकों ने पहली बार यानी प्रथम सदी में भूमि अनुदान, यानी भूमि अनुदान आरंभ किया, परंतु ये भूमि अनुदान जो था सिर्फ धार्मिक अनुदान थे। कैसा था ये? धार्मिक अनुदान था, यानी भूमि, यानी क्या हुआ, दान में अब भूमि दिए जाने लगा। आपसे प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले भूमि अनुदान का जो काम था वो किसने शुरू किया या किस वंश के शासकों ने शुरू किया? तो आपको बताना है, ऑप्शन में देगा सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त मौर्य वंश, और एक और वंश दे देगा शक, या कोई भी एक और वंश उठा के दे देगा। तो आपको बताना है सातवाहन शासकों ने सबसे पहले बार भूमि अनुदान की प्रथा चलाई, और यह भूमि किसी और सबको नहीं दिया जाता, ये भूमि सिर्फ दान के रूप में दिया जाता, धार्मिक दान, यानी धार्मिक दान, जब भी कोई पूजा पाठ होता था वो ऐसी स्थिति में उसको दान दिया जाता था, तो वो भूमि दान में दिया जाता था। और ये दान किसको देते थे? ब्राह्मण को देते थे, जो दान ब्राह्मण को दिया जाता था, अर्थात यानी अथवा बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं को दिए जाते थे, यानी कि वो ये सब दान किसको दिया जाता है? धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो बौद्ध धर्म आपको पता है उस समय बौद्ध धर्म बहुत अपनी तीव्र गति में थे, यानी कि अपने विस्तार के कड़ी में तीव्र विस्तार कर रहे थे, यानी कि लोगों को परिवर्तन कर रहे थे, लोगों को राह दिखा रहे थे कि किस तरीके से दुख से अपने निकलना है, दुख का क्या उपाय है, किस तरीके से हम दुख से निकल सकते हैं, किस तरीके से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब बातें आगे करेंगे, लेकिन यहाँ भी आप जानेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जब आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए क्या कर रहा है कि धार्मिक अनुदान के लिए जो ब्राह्मण हो गया अथवा बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं को दिए जाते थे, उनमें उनको उनमें उसमें क्या अधिकार था? तो उसमें केवल राजस्व का अधिकार था। ये पॉइंट बहुत डोनोडन था। क्या मैंने कि आपको कहेगा ना कि मान लीजिए आपको जो भूमि अनुदान दिया, यानी कि भूमि जो आपको दान में दिया, तो क्या उस पर आप सब कुछ करेंगे, यानी कि जो आप अपना सेना रखेंगे, अपने तरीके से प्रशासन चलाएंगे, अपने तरीके से सब कुछ करेंगे? तो जी नहीं, वहां पे सिर्फ आपको क्या अधिकार था? तो वहां पे सिर्फ आपको राजस्व का अधिकार था, यानी कि वहां पे आपको जो लेन देन, यानी जो पैसे वाली बात है, उस पे अधिकार था। इसके अलावा ना आप वहां पे सेना रख सकते थे, ना यहाँ पे आप कुछ भी नहीं रख सकते थे, केवल और केवल राजस्व का अधिकार था। ये चीजें आपको नोट डाउन करना है। और देखिए प्रशासन, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का अधिकार नहीं था। क्या था? प्रशासन का अधिकार नहीं था। भूमि अनुदान को प्रेरित करने वाले कई कारक थे, कई कारक थे भूमि अनुदान के प्रेरित करने वाला, जिसमें पहला कारण की बात करें तो भूमि अनुदान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र, यानी कि जो दूरस्थ क्षेत्र थे, जो कृषि का प्रसार हुआ, यानी कृषि का प्रसार संभव हुआ। इसके बाद देखिए, क्योंकि अनुदान में दी गई भूमि का एक भाग जो था गैर आबाद भूमि था, ऐसा भूमि दिया जाता था जो उस पर उपज करना मुश्किल था। इसके बाद होता था, फिर भूमि अनुदान के माध्यम से राजा ने अपनी शक्ति एवं प्रभाव को विस्तारित करना चाहा। इसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आर्य संस्कृति का भी प्रसार संभव हुआ। कुल मिलाकर यही कहना चाह रहा है कि जो भूमि विस्तार हुआ उससे क्या हुआ, राजा की शक्ति बढ़ा, क्योंकि राजा की शक्ति किस तरीके से बढ़ा कि वो बहुत दूर दूर तक वो अपना भूमि का विस्तार करने लगा, वहां तक उसका कब्जा हो गया, अपने नियंत्रण में आ गया, वहां अपनी सेना को भेजा गया देख रेख करने के लिए। इसके साथ साथ देखते हैं कि जनजातीय जो क्षेत्र है वहां पे भी आर्य संस्कृति का प्रसार प्रसार यानी प्रचार प्रसार हुआ था। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अब आगे देखते हैं, अब देखिए अब हम देखते हैं मौर्योत्तर काल के आर्थिक स्थिति। पीछे हम प्रशासन के बारे में देख चुके हैं, अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिति, जो इस चैप्टर का डिमांड भी है आपसे। ये जब जब एनसीईआरटी जब 12th क्लास का पढ़ेंगे तो वहां आपके आर्थिक स्थिति का डिमांड भी करता है। देखिए आर्थिक स्थिति मौर्योत्तर काल की बात करें, मौर्योत्तर काल के आर्थिक क्षेत्र में चतुर्थिक यानी चतुर्दर्थिक विकास, यानी चतुर्दर्थिक यानी चतुर्थ विकास का काल था। कैसा विकास काल था? चतुर्दिक यानी चतुर्दिक विकास का काल था। यह वही काल है जहां एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, और दूसरी तरफ देखते हैं दूसरी तरफ शिल्प का भी प्रसार हुआ, वाणिज्य का प्रसार हुआ, व्यापार का प्रसार हुआ, और नगरीकरण की प्रक्रिया का भी गति मिली। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि ये ऐसा समय है जिस तरफ एक तरफ हम देखते हैं कि कृषि का प्रसार हुआ, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि शिल्प का भी प्रसार हो रहा है, वाणिज्य एवं व्यवसाय का भी प्रसार हुआ, और एक तरफ देख रहे हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से फैल रहा है। तो देखिए इस तरीके से देखते हैं, इस काल में द्वितीय नगरीकरण यानी कि द्वितीय नगरीकरण का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, यानी द्वितीय नगरीकरण का काल चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। आपको बताए थे द्वितीय नगरीकरण के काल जो हम बताए थे वो 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हम बताए थे, जो मगध महाजन पद का उदय हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या करें, द्वितीय नगरीकरण का चरमोत्कर्ष यानी द्वितीय नगरीकरण का एक चरम सीमा जो बहुत ऊंचे लेवल पर जो था उसको छू लिया, यानी कि एक बहुत ही बेहतर विकास किया द्वितीय नगरीकरण में। चलिए आप बात करते हैं कृषि की, बात करें कृषि की, तो कृषि क्या था? भूमि अनुदान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र, पीछे आप ये चीजें चर्चा भी किए हैं
कि भूमि अनुदान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में कृषि का प्रसार हुआ। क्या हुआ कि जो भूमि अनुदान के माध्यम से क्या हुआ कि दूर दराज वाले जो क्षेत्र था वहां भी कृषि का प्रसार हुआ। क्यों कृषि का प्रसार हुआ? क्योंकि आपको पता है कि ये जो जमीन जाता था वो दान में दिया जाता था, और दान में दिया जाता था तो वहां पे जो अधिकार था वो सिर्फ राजस्व का अधिकार था। तो राजस्व का अधिकार था तो वो वास्तव की बात है कि वो लोग कृषि करेंगे ताकि उसको वहां से कुछ पैसा मिले। इसके बाद बात करते हैं, फिर इस काल में हम देखते हैं कृषि के प्रसार में निजी व्यक्ति की भूमिका पर, निजी व्यक्ति की भूमिका पर भी विशेष बल दिया, यानी कि निजी व्यक्ति की भूमिका पर भी विशेष बल दिया जाने लगा। उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं तो मनु कहता है कि भूमि उसकी होती है, यानी कि भूमि उसकी होती है जो उसके घास भूसे का साफ कर आबाद करता है। यानी कि भूमि उसकी होती है जो भूमि को साफ करता है, वहां की घास हो गया, वहां के भूसे हो गया, वहां की जितने भी चीजें उसको साफ करके साफ सुथरा करते हैं उसको उसका भूमि हुआ करता है। इसके बाद कहता है स्वयं राज्य की ओर से भी सिंचाई के लिए प्रोत्साहन के लिए, यानी सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए कदम उठाया जाता था। इसके बाद उदाहरण के लिए बात करें तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, जो पीछे आपको हम बताए थे जब पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक इतिहास बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन ने किया था, लेकिन उस समय हम ये नहीं बताए थे कि क्यों किया था। तो आपको बता दें कि इसलिए किया था ताकि कृषि को प्रोत्साहन मिल सके और भी चीजें जो उस समय का था उसके लिए बेनिफिट हो। तो चलिए अब बात करते हैं शिल्प एवं उद्योग, उस समय के शिल्प और उद्योग कैसा था। तो बात करते हैं शिल्प उद्योग की, उस काल में शिल्प एवं उद्योगों का उद्योग जो था व्यापक विस्तार देखा गया, यानी कि उस काल में शिल्प एवं उद्योग का व्यापक विस्तार देखने को मिलता है हमको। इस काल के एक ग्रंथ था जो पीछे हम बताए थे मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के व्यवसाय, यानी 75 प्रकार के व्यवसाय की सूचना हमें मिलता है। क्या आपको ये चीजें याद रखना है? तो जी नहीं, उतना भी चीजें आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मोटा मोटी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है ना कि शिल्प एवं ऐसे प्रश्न आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, आपको बता दें कि मौर्योत्तर काल में शिल्प उद्योगों का क्या हुआ कि कमी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिल्प एवं उद्योगों की कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी देखने को मिला, बहुत अच्छे तरीके से शिल्प एवं उद्योग का व्यापार अच्छा तरीके से चल रहा था। तो इस टाइप का प्रश्न बनेगा आपको दे देगा, यहाँ पे क्या है विस्तार, व्यापक विस्तार था, यहाँ पे व्यापक विस्तार न देखे कहेगा कि बहुत ही कम विस्तार हो रहा था, तो ऐसे टाइप का प्रश्न बनेगा। इसके बाद बात करेंगे कि 75 प्रकार का जो व्यवसाय के बारे में चर्चा मिलता है वो मलिंद पन होते थे। इस प्रकार से हमें 26 प्रकार से हमें पता चलता है कि अच्छा इतने टाइप का व्यापार या शिल्प एवं उद्योग हुआ करता था उस समय। इसके बाद बात करते हैं जिसमें 60 स्पष्ट रूप से शिल्पों से जुड़ा है, क्या किससे जुड़ा है, शिल्पों से जुड़ा हुआ है। फिर इस काल में अलग 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 क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उत्पाद यानी कि उत्पादों का जिक्र मिलता है, अलग अलग प्रकार के उत्पादों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए बात करें तो उज्जैन उज्जैन मनका बनाने के लिए मनका बनाने के कार्य हेतु प्रसिद्ध था। उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध था, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध था, तो मनका बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था, यानी मनका बनाने के लिए उज्जैन प्रसिद्ध था। इसके बाद बात करें मथुरा किसके लिए फेमस था, तो मथुरा की बात करें तो एक विशेष प्रकार के वस्त्र यानी कि एक विशेष प्रकार के वस्त्र के लिए मथुरा फेमस था। इसके बाद जिसका नाम क्या था, साटक, यानी क्या था, साटक, साटक के लिए, साटक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जिसका नाम क्या था, साटक के लिए मथुरा फेमस था। उसी प्रकार हम देखते हैं दक्षिण में अरिका मेडू हो गया, उरैयू हो गया, वस्त्र के यानी कि रंगाई के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको मोटा मोटी आपको यही चीजें याद रखना है कि शिल्प एवं उद्योग जो था उस समय बहुत ही बेहतर था, बहुत ही अच्छे तरीके से शिल्प एवं उद्योग काम कर रहे थे। अगर बात करें कैसे चर्चा मिलता था, एक बुक है जिसका नाम पीछे आपको बताए थे मिलिंद पन्हों, इसमें हमें पता चलता है कि 75 प्रकार का शिल्प के बारे में चर्चा मिलता है। बहुत सारे जगह अलग अलग जगह पे देखते हैं अलग अलग उद्योग स्थापित था, अलग अलग उत्पाद हो रहा था। इसी कड़ी में हम आपको एक और पॉइंट बताए हैं कि किसके लिए फेमस था, तो आपको बताना है कि उज्जैन जो था मनका बनाने के कार्य हेतु प्रसिद्ध था। मथुरा किसके लिए फेमस था, तो एक बहुत विशेष प्रकार का वस्त्र था जिसका नाम था सटक, यानी कि साटक, क्या था, साटक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। उसी प्रकार देखते हैं दक्षिण में अरिका मेडू हो गया, उरैयू हो गया, ये सब क्या हुआ, कपड़े पर जो रंगीन होता है लाल पीला हरा नीला, इस सब के रंगैया पुतैया के लिए ये फेमस था। चलिए अब हम बात करते हैं उस समय के व्यापार की, अब व्यापार की एक बार देख लेते हैं व्यापार क्या था, कैसा व्यापार उस समय का था। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों व्यापार का विस्तार देखा गया। आंतरिक का क्या था, यानी कि अपने स्टेट में ही, यानी अपने स्टेट यानी कि तमिलनाडु से हो गया गुजरात की तरफ, या मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, बिहार से यूपी, तो यानी कि ये आंतरिक व्यापार भी था, साथ में बाह्य व्यापार यानी कि भारत से बाहर, यानी भारत से पाकिस्तान, भारत से नेपाल, भारत से चाइना, भारत से भूटान, भारत से श्रीलंका, इस तरीके का व्यापार भी उस समय प्रचलित था। तो व्यापार विस्तार देखने को मिलता है। बाह्य व्यापार में अगर बात करें तो बाह्य व्यापार रेशम मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी बाह्य व्यापार में रेशम मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका था। इसका संचालन चीन के हान साम्राज्य और भारत का कुषाण साम्राज्य तथा यूरोप का रोमन साम्राज्य करता था। इस व्यापार से भारत को बहुत लाभ था, यानी कि इससे बहुत भारत को लाभ था। आपको पीछे बताए थे कि रेशम मार्ग के लिए जो प्रसिद्ध था भारत में वो कुषाण साम्राज्य था, तो ये चीजें यहाँ पे भी लिखा गया है। भारत में क्या लिखा है, भारत से रोम और रोम यानी क्या कर रहा है, भारत से रोम की ओर निर्यात का प्रमुख मध्य कौन, यानी कौन कौन सा वस्तु था जिसका निर्यात होता था रोम की ओर, तो देखते हैं विशेषकर मसाले,
विशेषकर मसाले हो गया, काली मिर्च हो गया जिसको यवन पीरियड भी कहते हैं, आगे आधुनिक भारत इतिहास में जो पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, रेशम हो गया, लोहे के उपकरण हो गया, कीमती पत्थर हो गया, औषधि हो गया, और भी बहुत सारे वस्तु वहाँ रोम के लिए यहाँ से जाया करता था। वही रोम से क्या क्या आयात होने वाली वस्तु है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। कीमती धातु जिसमें सोने और चांदी हो गया, शराब हो गया एवं शीशे के निर्यात, जाम हो गया, शीशे हो गया, अरेटाइन हो गया, इसके बाद मृदभांड हो गया, यानी कि मृदांड हो गया, मृदभांड हो गया, इसके बाद व्यापार संतुलन निश्चित ही भारत के पक्ष में था। कैसा था व्यापार संतुलन? निश्चित ही भारत के पक्ष में था, क्योंकि भारत से यहाँ बहुत ज्यादा वस्तु जाता था, क्योंकि रोमन लेखक पिलिनी था, पिलिनी ने रोम को भारत की ओर एक धन का निकासी का बात कही थी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि उस समय व्यापार बहुत अच्छा था। इसके बारे में पिलिनी भी कहते हैं कि भारत में एक अच्छा खासा धन रोम से जाता था, रोम से भारत से बहुत सारा वस्तु रोम की ओर जाता था, जैसे यवन पीरियड जिसको हम कहते हैं काली मिर्च, मसाले हो गया, और भी वस्त्र उद्योग हो गया, ये सब चीजें वहां जाता था। बदले में वहां से शराब भी आया करता था, बहुत सारी चीज वस्तु वहां से भी आया करता था, किंतु भारत से ज्यादा जाता था, वहां से कम आता था। इसके बाद देखिए क्या कहता है। इस काल में कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का विकास हुआ था, कई सारे बंदरगाह इस समय विकास हुआ था, क्योंकि जब भी व्यापार होता था तो किसी बंदरगाह के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। उस समय ऐसा नहीं था कि ट्रेन था या रेलगाड़ी था जिसके माध्यम से, यानी ट्रेन था या बस था या कोई भी वाहन देखते हैं जैसे पिकअप वगैरह, ये सब उस समय नहीं था। इस समय बंदरगाह के माध्यम से ही व्यापार हुआ करता था, यानी कि पोर्ट के माध्यम से, नाव के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार हुआ करता था। बात करें बर्फ क्या लेकर है, बार बरिकम, यानी बार बरिकम उदाहरण के लिए उत्तर में देखते हैं। उत्तर में दो महत्वपूर्ण बंदरगाह जो फेमस हुआ था, उसके बाद करें सिंधु नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था बेरी गाजा। अभी आपको याद रखना है, बेरी गाजा एक बंदरगाह था जिसको जिसको नाम भरोच भी है, और गुजरात के तट पर एक और बंदरगाह था गुजरात के तट पर एक बंदरगाह था, यानी कि बेरी गाजा का था गुजरात के तट पर था, और पूरम में एक बंदरगाह था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। ये कई बार पूछा गया कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह किस साइड पर था, पूरम में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके बाद इसके अतिरिक्त कुछ और बंदरगाह था, जैसे टिंडिस हो गया, मुजरिस हो गया, इसके बाद नीलाशिंदा हो गया आदि, ये मलाबार तट पर था, और अरकामेडू हो गया, कावेरी पट्टनम एवं कोरकाई हो गया आदि, ये सब क्या था, कोरोमंडल तट पर स्थित है। आपसे ये सब नाम दे देगा, पूछेगा कि कोरोमंडल यानी कि अरकामेडू हो गया, कावेरी पट्टनम हो गया, कोरकोई हो गया, ये सब क्या है, तो आपको बताना है ये सब एक बंदरगाह है। पिछले साल भी ऐसा प्रश्न बना है, तो आपको ये चीजें याद रखना है। ये सब आपसे पूछेगा कि ये सब क्या है, आपसे ऑप्शन में देगा ये बंदरगाह है, ये कोई स्थल है जो विशेष कर सूती वस्त्रों के लिए वो फेमस है, या कोई और ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता नहीं। ये सब जितने भी चीजें हम देखे हैं, बेरी गाजा हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया, इसके बाद देखिए पुकावेरी पंटम हो गया, मालाबार तट हो गया, नेलसिंडा हो गया, और कोई हो गया, क्या है, ये सब टोटल बंदरगाह था उस समय के जिसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था। तो चलिए अब देखिए मुद्रा व्यवस्था, बात करता है मुद्रा व्यवस्था की। तब प्राचीन काल में सबसे अधिक मुद्राएं मुद्रोत्तर काल में ही जारी की गई थी। इस काल में सोने हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया एवं शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे। रोम के दिनार पैटर्न पर सबसे विशुद्ध सिक्के कुषाण ने चलाए और सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए। आपको ये चीजें याद रखना है कि शीशे के सिक्के किसने चालू किया था, तो आपको बताना है शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाया था। आपको याद रखना, शीशे 100 से शीशे होता है, 100 से सातवाहन होता था, आपको याद रहेगा 100 से शीशे, 100 से सातवाहन, यानी सातवाहन शासकों ने किसी तरीके से आप रिलेट करके याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे। शीशे शीशे 100 से सातवाहन, तो आपको याद रखना कि सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाया था। इसके बाद बात करते हैं नगरीकरण। तो इस काल में नगरीकरण अपनी चरम अवस्था में था। कैसा था, चरम अवस्था में पहुंच गया था। और इस काल में देखते हैं कुषाण शासकों के अंतर्गत मथुरा हो गया, बनारस हो गया आदि नगरों का विकास भी हुआ था। कुषाण यहाँ से व्यापार करते थे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ था। वही शकों के अंतर्गत देखते हैं उज्जैन हो गया, एक प्रमुख नगर के रूप में विकसित हुआ था। इसके बाद बात करते हैं यह काल प्रायद्वीपीय भारत में एक प्रथम नगरीकरण का काल माना जाता है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में प्रथम नगरीकरण का काल था। सातवाहनों के अधीन तागर, पैठान, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, ये सभी क्या था, एक नगर के रूप में विकसित हुए। सुदूर दक्षिण में नगरों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं तो उदाहरण के लिए देते हैं मुजरिस हो गया, अरकामेडू हो गया, कावेरी पंटम हो गया, ये सब क्या था, बंदरगाह के रूप में विकसित हो गए थे। ये सब क्या क्या नगरीकरण की बात कर रहा है कि किस तरीके से नगरीकरण के अवस्था में पहुंचा था। तो आपको बता रहा है कि कुषाण के काल में देखते हैं बनारस हो गया, मथुरा हो गया, ये सब क्षेत्र क्या क्या था, बहुत ही डेवलप हो गया था उस समय आते आते, गुप्त मौर्योत्तर काल तक आते आते बहुत ही डेवलप हो गया था। इसके वही सब बात कर रहा है कि जो कावेरी पट्टनम हो गया, ये सब बहुत अच्छे तरीके से बंदरगाह था जो बहुत इसके माध्यम से व्यापार व्यापार हुआ करता था, बहुत बेहतर तरीके से व्यापार हुआ करता था। चलिए ये रहा मौर्योत्तर काल के इतिहास। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अब कुछ बातें वहां हम एनसीईआरटी से उठाए हैं जो डायरेक्ट प्रश्न बनता है यहाँ से, और डायरेक्ट प्रश्न बनता है तो एक बार जो एनसीईआरटी में दिया है बहुत ही संदर्भ, यानी बहुत ही संक्षेप में दिया गया है, लेकिन उस संक्षेप को भी एक बार देख लेते हैं एक नजर में, 5 से 7 मिनट लगेगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि जो पीछे जो हम कंसेप्ट बताए उस कंसेप्ट के आधार पर कुछ एडिशनल फैक्ट आपको याद हो जाएगा और आपको जब यहाँ से प्रश्न बनेगा कर ले जाएंगे। चलिए
देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहा है दक्षिण के राजा और सरदार, दक्षिण के राजा और सरदार कौन हुआ करता था, वही सब बातें हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का उल्टा उलट पुलट है। देखिए दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल, वहां पे क्या था, चोर, चेल और पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य समृद्ध तथा अस्थायी थे। आपको पीछे हम बताए हुए कि ये चोल, चेर, पांडे के बारे में जब हम पीछे पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना, वही से बातें एनसीईआरटी में भी लिखा गया है। तो देखिए कुछ चीजें जो है जो स्पेशली वहां हमने टाइप करके यहाँ दिए थे ताकि आपको बेनिफिट हो। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, यही से बातें लिखा गया है। सरदार राजा, सरदार के बारे में भी वर्णन मिलता है। इस पर राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे। क्या होता है, लंबी दूरी के व्यापार से राजा राजस्व जुटाते थे। इसमें सातवाहन राजा भी थे। कौन थे, सातवाहन राजा भी इसी में थे। इसके बाद बात करते हैं, देखिए अब बात कर रहे हैं सरदार और सरदारी में क्या डिफरेंट होता था। बात करें सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था। कैसा होता था, सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत ना भी होता था और हो भी सकता था। क्या कह रहा है कि वंशानुगत हो भी सकता था और ना भी हो सकता था। यहाँ कह रहा है सरकार एक यानी कि सरदार जो था एक ताकतवर व्यक्ति था जो वंशानुगत हो भी सकता था और वंशानुगत ना भी हो सकता था एवं नहीं भी हो सकता था। उसके समर्थक यानी कि उसके समर्थक उसके खानदान के लोग ही होते थे और सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, जो सरदार का काम होता था वो कौन कौन सा काम होता है, देखिए अनुष्ठान का संचालन करना पहला काम सरदार का होता था। दूसरा युद्ध के समय नेतृत्व करना, यानी कि दूसरा काम ये हो गया नेतृत्व करना। इसके बाद करता है एवं विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, यानी कि तीसरा काम ये होगा यानी कि विवादों को सुलझाना। इसके बाद चौथा काम और भी होगा सम्मानित करना। और वह क्या है, यह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। कैसा लेता था, वो अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। जबकि जबकि क्या करे, जबकि राजा लगान वसूली करता था। राजा क्या करता था, वो लगान वसूली करता था और जो सरदार होता था वो भेंट लेता था। इसके बाद एवं अपने समर्थकों से उसे भेंट का वितरण यानी वितरण करता था। सरदारी में प्राय कोई अस्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होता था। सरदारी में क्या होता था, कोई भी अस्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होता था, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ होता था। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था जो वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। और इसके बाद क्या याद रखना है, इसका जो सरदार था उसका काम क्या था, अनुष्ठान का संचालन करना। इसके बाद युद्ध के समय नेतृत्व करना। इसके बाद जब आपसी में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस समय बिचौलिया का काम करना, उसको सुलझाना। तो और इसके बाद इसके अपना भेंट कहाँ से लेता था, तो अधीन लोगों से भेंट लेता था। उसके बाद राजा अपने लगान वसूली करता था। ये सब पॉइंट आपको, ये टू द पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये टू द पॉइंट ही प्रश्न बनता है। इसके बाद बात करते हैं जो सरदारी होता था उसके पास अपना अर्थ अपना अधिकारी या नहीं होता था। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक विशेष रूप से सरदार के कार्य दे दिया, वही सब बातें हैं, अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध करने नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़े विवादों को सुलझाना। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, किससे लेता था, अधीन लोगों से भेंट लेता था, अपने समर्थकों में उसे भेंट को बांट देता था, यानी कि जो जो भी भेंट जो प्रदान करता था, जो भी भेंट प्राप्त करता था लोगों से, यानी कि अधीनस्थ अपने अधीन लोगों से, वो भी अपने अधीन लोगों में बांट भी दिया करते थे, यानी अपने समर्थक जो भी उनके समर्थक थे उसमें बांटते थे। सरदारी में कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था। सरदारी की बात करें, सरदार की नहीं, सरदारी की बात करें, सरदारी में क्या करें, सरदारी में कोई भी अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था। इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम, जिसको हम कहते हैं संगम साहित्य, क्या कहते हैं, संगम साहित्य, संगम साहित्य, संगम साहित्य, किससे, संगम साहित्य से इनके बारे में जानकारी हमको मिलता है। चलिए अब देखिए और कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं और यहाँ से हम एमसीक्यू भी करेंगे। इस ग्रंथ में सरदारों के बारे में विवरण मिलता है, यही जो संगम साहित्य है, इसमें सरदार तथा राजा की लंबी दूरी के व्यापार के भी राजस्व इकट्ठा करते थे। इसमें सातवाहन तथा शक राजा प्रमुख थे। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे, अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देते थे। यही बात सब लिखा, उदयगिरी यानी सरदारी कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था। यही सब सेम चीज है यहाँ पे भी, नोट डाउन है। चलिए अब बात करता है दैविक राजा। दैविक राजा क्या होता था, देखिए देव यानी कि देवी देवता की पूजा करने से राजा उच्च उच्च स्थिति हासिल कर करते थे। कुषाण शासक ने ऐसा किया, जैसे यूपी में मथुरा, जो पीछे हम बताए थे वही से पॉइंट है, यूपी में मथुरा के पास माट एक देवस्थल था, यानी कि देवस्थान था, जहाँ पर कुषाण शासकों ने विशाल काय क्या है मूर्ति स्थापित की। अफगानिस्तान में भी ऐसा किया। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देवता तुल्य यानी कि देव तुल्य या देवता तुल्य कहते थे। यही सब बातें जो पीछे आपको हम बता चुके थे कि यही सब बातें यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन ये टू द पॉइंट एनसीईआरटी से लिया गया है। इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ से पिछले बार एक प्रश्न बना था, इसलिए ये प्रश्न आपको ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट से उठा करके आपको दिए हैं। पीछे जो पॉइंट था वो भी एनसीईआरटी के था, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी और भी बहुत सारे एडिशनल बुक जहाँ से हम आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। तो यही कुल मिलाकर वही बात कर रहा है जो हम कुषाण के बारे में बताए थे ना, कि अब क्या हुआ कि लोग जो था अपने जो भी राजा थे अपनी तुलना देवता से करने लगे। इसके बारे में हमको कैसे जानकारी मिलता है, तो आपको बताए थे कि मथुरा में माट नामक एक मंदिर है, वहां पे क्या हुआ था, एक कुषाण जो था, कुषाण राजा अपनी मंदिर स्थापित किया था, बहुत ही विशाल मंदिर में, यानी विशाल मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित किया था। उससे पता चलता है कि राजा जो था अब अपनी तुलना देवता से करने लगे थे। तो यही बात करता है दैवीय स्थिति में। चलिए
अब देखिए एक प्रश्न है, आप लोग कीजिएगा, 1 मिनट इसको सही कर दें, 1 मिनट। चलिए इस प्रश्न को छोड़िए, ये प्रश्न करिए। देखिए क्या पूछ रहा है, एक प्रश्न है। अब देखिए जितने भी चैप्टर था उसको पढ़ लिया, अब एक चैप्टर हमको, इस चैप्टर देखिए राजा किसान और नगर जो पढ़ रहे हैं, इसी में जो भी चैप्टर दिया है उस चैप्टर को हम बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर शॉर्टकट में पढ़ते तो पढ़ चुके होते, किंतु हम विस्तार से पढ़ रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो भी प्रश्न है आज जो पढ़े उससे एक दो प्रश्न करते हैं, देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं। बनेगा निश्चित ही, अगर आप सच में अच्छे से पढ़ेंगे, अगर रिविजन किए होंगे बार बार, तो सच में आपसे बनेगा। देखिए क्या कर रहा है, छठी से चौथी, क्या बोल रहा है, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे। कुल मिलाकर प्रश्न ये पूछने का पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य था जो चौथी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली महाजन पद बना, इसके पीछे का क्या कारण था। तो यही कारण पूछ रहा है कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये इतना शक्तिशाली हुआ था। पहला ऑप्शन दे रहा है अच्छी उपज, दूसरा ऑप्शन दे रहा है लोहे की खदानें, तीसरा ऑप्शन दे रहा है गंगा तथा उप नदियों के कारण आवागमन सुलभ, यानी गंगा नदी हो गया, उसके और भी नदी हो गया, जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुलभ हो गया था, यानी आसान हो गया था। चौथा ऑप्शन दे रहा है जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। ऐसा ही प्रश्न बनेगा, आपको जो दिखा रहे हैं ऐसा ही प्रश्न बनेगा, क्योंकि एक वन जो आप सोच रहे हैं कि वन लाइन में प्रश्न बनेगा, तो वन लाइन में भी प्रश्न बनेगा, लेकिन बहुत ही सीमित प्रश्न वैसे बनेगा। ऐसा ही प्रश्न देखने को आपको ज्यादातर मिलेगा। देखिए ऑप्शन दे रहा है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 3 और 4, और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। चलिए आपको बता देते हैं, आपको बताए थे कि गुप्त जब मगध महाजन पद के बारे में पढ़ते, तो आपको बताए थे कि मगध महाजन पद में बहुत अच्छा उपज होना शुरू हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि लोहे की खोज हो गया था, दूसरे ऑप्शन यही बात है। और इसके बाद बताए थे कि नदियों के माध्यम से आवागमन जो सुलभ हो गया था। चौथा ऑप्शन था कि जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, और हाथी का क्या काम होता था, जब भी युद्ध होता हुआ करता था उस समय हाथी को लेकर के युद्ध में जाया जाता था, और उस समय जो भी जब युद्ध होता था तो हाथी के माध्यम से भी क्षेत्रों को जीता जाता था, युद्ध में हाथी को भी शामिल किया जाता था, या हाथी पर औजार लेकर के अपने खुद को बैठ करके जाने में सहायता, यानी कि एक रथ संचालन के रूप में हाथी भी उस समय काम करता था। इसलिए ये क्या हुआ, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या हुआ, चारों ऑप्शन इसका सही, यानी कि 4 इज ट्रू, चारों से क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब देखिए आज जो हम पढ़े हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा है, दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ से क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है, पॉइंट को क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने का एक ट्रिक ये भी होता है ना, क्वेश्चन करने का एक सटीक तरीका ये भी होता है कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए। सबसे पहले देखिए कि पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि सही नहीं है। आप क्वेश्चन के पढ़ेंगे नहीं, सीधे आप ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे दक्षिण में जाओगे सरदार के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आप ऐसे प्रश्न में गलत कर जाएंगे। तो आपको पढ़ना है कि यहाँ पर लिखा है सही नहीं, ऐसा प्रश्न करने तो सबसे पहले यहाँ पर टिक कर देगा अच्छा नहीं है, ताकि आपको बार बार वहां पर ध्यान जाए। ऑप्शन क्या दे रहा है, चोल हो गया, चेर हो गया, पांडे को संयुक्त रूप से तमिल, यानी कि तमिलकम कहा जाता था। इसके बाद देखिए सरदार का पद जो था वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। देखिए अभी तुरंत जस्ट हम ये चीजें पढ़ाए हैं, तो आपको ये चीजें, आपको हमको उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप तो गलत नहीं करेंगे, और ये इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप ही कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। इसके बाद देखिए सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे। चौथा ऑप्शन दे रहा है शक तथा सतवाहन शासकों ने लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। कुल मिलाकर ये 4 ऑप्शन दिया है, और 4 ऑप्शन में पूछ ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर जो है गलत है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़ाए थे। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न तो नहीं है, लेकिन देखिए पीछे हम आपको बताए थे कि हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, और सिक्कों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आपको जो पीछे प्रश्न दिए उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और हम एक जो इतिहास है सिक्कों के इतिहास, सिक्कों और राजा का इतिहास, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सिक्कों का क्या इतिहास था। देखिए सिक्कों का जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे, इसके साथ हम कुछ आपको पॉइंट लिखेंगे, कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे, यानी कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करवाएंगे, उसको आप नोट डाउन करिएगा, उसी से वहीं से प्रश्न बनेगा, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है सिक्को, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। देखिए व्यापार के लिए, आप सिक्का का प्रयोग क्यों करते थे, सिक्का का जो प्रयोग करते थे व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो आपसे पूछेगा सिक्कों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। चांदी तथा
चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए, जो कब ढाले गए थे अगर इस समय की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 BC, यानी 600 BC में क्या हुआ था, 600 BC में देखते हैं कि सबसे पहले सिक्के ढाला गया था। किसके सिक्के ढाले गए थे, आपको ऑप्शन देगा चांदी तथा तांबे, यहाँ पे यही ऑप्शन फंसेगा कि आपसे पूछ देगा ना कि चांदी सोना, सोना चांदी और तांबा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप मार देंगे सोना चांदी और तांबा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि उस समय सोना की बात नहीं कर रहा है, तांबा और चांदी की बात कर रहा है, तो आपको ये पॉइंट पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा कि बात यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है चांदी की और किसकी, तांबा की, यानी चांदी और तांबा की सबसे पहले सिक्के देखने को मिलता है कब, 600 BC में, जिस सिक्कों को हम क्या कहते हैं, आहत सिक्का। अब आहत सिक्का क्यों कहते हैं, आपसे प्रश्न बनेगा कि आहत यानी कि एक कोई भी यानी चांदी का एक डब्बा, मान लीजिए ऐसा कोई गोल टाइप का डब्बा होता था, या चौरा भी हो सकता था या त्रिभुजाकार भी हो सकता था, कोई फिक्स नहीं था कि किस तरीके का बनेगा, उस पर क्या हुआ ना, हथौड़ी से पीटा जाता था और पीटने के कारण ही उसको हम आहत कहते, यानी कि उस पर हाथ यानी आहत करता था, उस पर जुल्म करता था, कहते ना कि उस पर आहत कर रहे हैं, तो इस तरीके से उस पर क्या होता था, पीट करके उसको बनाया जाता था, इसलिए हम आहत सिक्का भी कहते थे। तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहला सिक्का कौन था, तो आहत सिक्का था, कब चला था, तो 600 BC में, किससे बना होता था, तो चांदी और तांबे के, सोना नहीं चांदी और तांबा, याद रखना है। इसके बाद देखिए ऐसे बहुत सारे सिक्के जो खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था, यानी खुदाई के दौरान मिला था, मुद्रा शास्त्री, देखिए पीछे ही बताए थे कि सिक्का को उनको मुद्रा शास्त्र कहते हैं, मुद्रा शास्त्री ने इस सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यकरण का प्रयोग क्षेत्रों का पता लगाता है, यानी कि कहने का यह आता है कि जो मुद्रा शास्त्री होते हैं जो मुद्रा के अध्ययन करके उसके जो वाणिज्यिक उपयोग था उसके बारे में पता लगाते हैं और क्षेत्र का भी कई बार पता लगाता है। तो चलिए देखिए आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता चलता है कि इनमें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था, यानी आहत सिक्के पर जो चित्र मिलता है उस चित्र के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करता है कि इसको किसी एक राजा ने नहीं बल्कि बहुत सारे राजा ने मिलकर के बनाया था। लेकिन ऐसे भी संभव है कि धनी लोग हो गया, व्यापारी हो गया, नागरिकों ने भी इस प्रकार के सिक्के जारी किया था, यानी कि आपसे पूछेगा क्या आहत सिक्का सिर्फ राजा ने जारी किया था, जी नहीं, राजा ने नहीं बल्कि धनी लोग हो गए, वो व्यापारी हो गए, नागरिकों ने भी इस प्रकार के सिक्के जारी किया था। तो आपसे ये प्रश्न बनेगा कि क्या पूछेगा ना कि आहत सिक्के जारी करने का काम सिर्फ राजा का था, केवल राजा जारी करता था, नहीं राजा नहीं बल्कि सब लोग करते थे, उसमें बता दिया धनी लोग व्यापारी ये लोग भी जारी करते थे। शासकों की प्रतिमा और उसके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था, ये पॉइंट याद करिएगा, जो पीछे आपको जब शक इंडो ग्रीक वंश के बारे में बता रहे थे तो वहां आपको ये पॉइंट बता रहे थे कि सबसे पहले, देखिए आपको हम कुछ पॉइंट नोट डाउन कराते हैं, आप इसको पॉइंट को नोट डाउन करिएगा एक बार, देखिए सबसे पहले पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा कि सबसे पहले सिक्के किसने जारी किया, सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा शासकों के नाम से सिक्के किसने जारी किया, सबसे पहले सिक्का सबसे पहले शासकों के नाम से सिक्का शासकों के नाम से सिक्का सबसे पहले शासकों के नाम से सिक्का किसने जारी किया था, तो बताते हैं आपको, बताइए कि सबसे पहले शासकों के नाम से सिक्का किसने जारी किया था, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, देखिए आप लोग याद ऐसे इस तरीके से जब तक हम पहले लिख रहे हैं सबसे पहले शासकों के नाम से सिक्का, आपके माइंड में दिमाग में चल जाना चाहिए कि आखिर किसके बारे में बात कर रहे थे, बात करें इंडो ग्रीक, कौन, इंडो ग्रीक, यानी इंडो ग्रीक शासक ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले सिक्का जारी किया था शासकों के नाम से। अब एक और प्रश्न बनता है, सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था, एक और प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न पूछेगा कि सबसे सबसे पहले शुद्ध सिक्के क्या हैं, सबसे सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया। तो आपको क्या बताना है कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया, यहाँ पे बात देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे ज्यादा शुद्ध पूछ रहा है सोने के किसे सिक्के किसने जारी किया था, तो आपको बताना है कुषाण ने। चलिए अब देखिए आगे हम देखते हैं, अब आगे देखते हैं सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तीसरा यह है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने
जारी किया। क्या बताएंगे? देखिए आप बताना क्या है, यहाँ पूछ रहे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, यहाँ पीछे क्या बताए थे, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण ने बताए थे, यहाँ पूछ रहे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो आपको बताना है गुप्तों ने। किसने जारी किया था? तो गुप्तों ने। आपको मोटा मोटी आपको याद होगा कि किस किन 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 बातों को याद रखना है। एक और पॉइंट नोट करिएगा, आप जब कहीं भी कहीं किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, हो सकता है आगे आप ये पॉइंट पूछा जाए। पूछे क्वेश्चन ये है ना कि सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किया, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किया। देखिए क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सिक्के, यहाँ पे सोने आ रहा है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्का, पीछे था सबसे शुद्ध सोने के सिक्का, आप सबसे पहले था सबसे पहले सिक्के या सबसे पहले शासक के नाम से सिक्का किसने जारी किया था, तो बताए थे इंडो ग्रीक ने। यहाँ पूछ रहा है सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किया था, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा जो सिक्के जारी किया था वो मौर्य ने किया था। किसने जारी किया था? मौर्य ने। देखिए आप सिक्के के बारे में यही चारों प्रश्न पूछता है, बार बार घुमा 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 करके यही चारों प्रश्न आपसे पूछेगा। एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं, देखिए क्या है, सबसे पहले शासकों के नाम से सिक्के किसने जारी किया था, तो आपको बताना है इंडो ग्रीक शासक ने जारी किया था। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो आपको बताना है कुषाण शासकों ने जारी किया था। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किया था, यहाँ पूछा सबसे ज्यादा, आप पीछे क्या पूछा था, पीछे देखिए यहाँ पर पूछे क्या है, सबसे शुद्ध पूछ रहा है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्का किसने जारी किया था, यहाँ पर पूछ रहा है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किया था, आपको बताना है गुप्त ने जारी किया था। इसके बाद सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किया था, डायरेक्ट पूछ रहा है ना, यहाँ पर सोना का नाम दे रहा है ना, यहाँ पे चांदी का नाम दे रहा है ना, यहाँ पे तांबे का नाम दे रहा है, तो आपको बताना है मौर्यों ने सबसे ज्यादा सिक्के जारी किया था। तो इस तरीके से आपको सिक्कों का इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यही सब चीजें यहाँ पे लिखा भी है, देख लेते हैं। शासकों के प्रतिमा में उसके नाम के साथ पहले सिक्कों का प्रयोग यूनानी शासकों द्वारा जारी किया, हिंदी यूनानी शासकों द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद देखिए सोने के सिक्के सबसे पहले शताब्दी में ईसा पूर्व में कुषाण शासकों ने जारी किया था, कुषाण शासकों द्वारा, यही से बातें लिखा है। उत्तर और मध्य में भारत में ऐसे सिक्के मिलते हैं। इसके बाद सोने के सिक्के का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिलते हैं, यानी कि दक्षिण भारत में बहुत संख्या में रोमन सिक्के मिलते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यदे सिक्कों द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए, यानी कि यदे शासक जो थे, यानी यदे वंश के जो शासक थे, उसके द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए। कहाँ जारी किए? पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में। इसके बाद बात करें गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के भव्य सिक्के, क्या कह रहा, सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों में सोने उच्च गुणवत्ता का था, यानी कि उच्च गुणवत्ता का था, लेकिन इतने उच्च गुणवत्ता नहीं था जो कुषाण का था। कुषाण का सबसे शुद्ध सोने का सिक्का था, इसने सबसे ज्यादा सिक्के जारी किया, ये भी ठीक था क्वालिटी, लेकिन उतना भी खराब नहीं था, लेकिन इसके तुलना में कुषाण का ज्यादा सही था। तो चलिए इस तरीके से हम देखे हैं, सबसे पहले मौर्योत्तर काल पढ़े थे, एक बार रिकॉल फिर से कराते हैं, मौर्योत्तर काल पढ़े थे, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के बारे में पढ़े थे, कर्ण वंश के बारे में पढ़े थे, इसके बाद जो दक्षिण वंश, दक्षिण में जो यानी कि विदेशी आक्रमणकारी जो था उसके बारे में पढ़े थे, विदेशी आक्रमणकारी में कौन कौन हुआ था, इंडो ग्रीक हो गया, शक हो गया, पार्शियन हो गया, कुषाण हो गया, इनके बारे में पढ़े थे। फिर हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़े थे, सातवाहन के बाद हम देखे थे सातवाहन वंश को जो उसी की गद्दी पर तीसरी शताब्दी में कौन बैठा था, वकाटक और इक्ष्वाकु बैठा था, उस दोनों के पढ़े थे, उस दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति था, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसके बाद हम छोटे मोटे जो कलिंग था, चोर चल पांडे, जो संगम साहित्य में जिसके बारे में जानकारी मिलता है, या तमिल साहित्य में, इसके बारे में पढ़े। इसके बाद हम आपको बताए हैं यहाँ के प्रशासनिक स्थिति, यहाँ के अर्थव्यवस्था, यहाँ के नगरीकरण, ये सभी बातों को बहुत विस्तार से बताए हैं। और इसके बाद हम जो एनसीईआरटी में से कुछ पॉइंट को लेकर आए थे, जैसे सरदार और सरदारी में क्या डिफरेंट था, देवीय राजा, ये सब बातों को आपको टू द पॉइंट लेकर आए, ताकि यहाँ से प्रश्न बने तो आप पढ़े रहेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। एक प्रश्न भी आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देने के लिए कहें, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उस प्रश्न को करिएगा, ताकि आपसे बने, और जब आपको बनेगा ना तो देखिएगा आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको लगेगा ना कि बहुत ही आसान, बहुत से कठिन प्रश्न हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, और करके हम अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी पा लेंगे। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे वो चीज़ें इधर उधर नहीं करना है, आपको एक जगह कहीं किसी अच्छे चैनल से जिसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो आप बताइए कि अगर कोई कहीं पे कुछ अगर सुधार करना है तो हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन आप लोग बने रहिए, आराम से देखिए वीडियो को, चीज़ें को देखिए। आपका अगर इसको पीपीटी भी चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या चैनल के अगर बायो में देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे यहाँ का जितना भी मटेरियल मिलता है, जितने भी सब्जेक्ट का, सभी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं एक अन्य वीडियो जहाँ पे गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्त साम्राज्य को पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, यानी राजा किसान और नगर, जो हम बहुत अच्छे से पूरी विस्तार से पढ़ के समाप्त करेंगे। और उसके बाद जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर को क्रम से, वैदिक सभ्यता से हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, ऋग वैदिक काल, इन सभी से, इसके बाद महाजनपद हो गया, इसके बाद मौर्य के बारे में, हर एक वंश, शुंग वंश, इन सभी के बारे में प्रश्न लेकर आएंगे। प्रश्न की श्रृंखला कम से कम 500 से 600 प्रश्न लेकर आएंगे, और जब आप इन सभी प्रश्नों को लगा लेंगे तब देखिएगा आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो बने रहिए,
आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।